आओ छोटे बाबू, जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल जाने में देर हो रही है। करता हूँ, पहले डैडी को तो बुलाइए। बेटा वो क्या डैडी रात को सिंगापुर से वापस नहीं आए? आ तो गए थे बेटे, लेकिन सुबह किसी जरूरी काम से दिल्ली चले गए। क्या चले गए? उसे मिले बगैर चले गए? मैं उनका महीनों भर इंतजार करता हूँ और वो मुझसे मिले बगैर चले गए। डैडी, यू डोंट लव योर सन, आप मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं, तुम्हारे डैडी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उनका कारोबार इतना बड़ा है कि रोजाना एक जगह भी जाएं तो साल भर यूं ही गुजर जाता है। नाश्ता तो करते जाओ, मुझे भूख नहीं है। सुनो बेटे, अमर बेटे, मैंने कहा ना कि तुम अंदर ही बैठो। तूने मेरी गाड़ी को पत्थर मारा? हाँ, अमी ने सीधा तोड़ा और अमी ने ललकार था पुकार रहा, एक बाप की औलाद ही तो बाहर निकल, और तू आ गया। हाँ मैं आ गया। माई, ओ माई, देखो प्यारे भैया कोनो के साथ मारा पीटी कर रहे, जल्दी आओ। माँ जल्दी आओ, देखो क्या कर रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे अरे छोड़ो, हेलो हटो परे, काहे को झगड़ रहे हो? मैं अपनी कार में जा रहा था, इसने पत्थर मारकर मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। तू बिहारी? काहे तोड़ा इसकी गाड़ी का शीशा? दूसरा किराए बैठे कीचड़ हमने आपको उछाल दे रहा, हरामखोर। ए चुप, एक भी गाली निकाली मुंह से तो मारूंगी। क्यों बाबू, तुम काहे इस पर कीचड़ उछाला? मैंने थोड़ी कीचड़ उछाला, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। हम ड्राइवर को भी मारूंगा और हम तुमको मारूंगी। 24 घंटे गुस्सा नाक की नोक पर रखता है। अपनी हालत तो देख, देख तुम्हारी माई तुम्हें इस हालत में देखेगी तो उसको कितना बुरा लगेगा? नहीं लगेगा बुरा। अरे काहे नहीं लगेगा बुरा? क्योंकि मेरी माँ नहीं है। कहा हुआ? आ बिटुआ। अरे बिहारी ये देखा किया, बेचारे का हाथ छील दिया। ललता जब इतना से दवाई किसी से लेकर आ, साथ है वही चप्पा दो। ये मत देखो हमका का हुआ, ये देखो हमने साथ का हुआ। ए माई, कहीं को अपना दिल दुखावत है? ये दोनों तो नंबर ही गुंडे हैं, गुंडे 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 गुंडे। भीतर से लड्डू लेकर आ जा। बहुत जला है। बस थोड़ी देर जलेगा फिर ठंडक पड़ जाएगी जखम में। अच्छा का देखा था बिटुआ? मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, वो शायद तुम्हारी तरह ही रही होगी। क्या हर माँ अपने बच्चे को इसी तरह ही प्यार करती है? हाँ। तुम्हारे घर में कौन कौन है? कोई नहीं, बस एक पापा है, वो भी महीनों बाहर रहते हैं। बस ये कौमी के मेरे सब कुछ है, यही मेरे दोस्त हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। दिल छोटा मत करे बिटवा, आज से हम तुम रमाई है, जब जी करे हमरे पास चले आना। ये लड्डू। आओ बिटवा, ये लड्डू खाओ, मन में जो कड़वाहट भर गई थी वही लड्डू खाकर मिठास में बदल लो। चलो आओ, सारे खत्म होने चाहिए, एक ना ही बचे। गोपाल, ए गोपाल। क्या बात है अमर बाबू? मनोहर चाचा, मैं कब से अकेला खेल रहा हूँ, गोपाल को बुलाइए। गोपाल अपनी बहन के यहाँ राखी बंधवाने क्या है, आज रक्षाबंधन है ना बेटे? रक्षाबंधन, ये क्या होता है? आज के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रंगीन धागा बांधती हैं। रंगीन धागा, लेकिन क्यों? क्योंकि ये धागा बहन के प्यार की निशानी है। देखने में ये धागा है
लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि भाई और बहन के प्यार को जिंदगी के आखिरी दम तक टूटने नहीं देता। अच्छा, इसमें इतनी ताकत होती है? ललिता, अरे बिटुआ, तू वहाँ क्या कर रहा है? हाँ, यहाँ। माँ, मैं भी ललिता से राखी बंधवा सकता हूँ? अरे हाँ बिटुआ, जरूर, यहाँ बैठ। बैठो इधर। तुम हमसे जान छुड़ा कर नहीं भाग सकते, अब हो गया रिश्ता। रिश्ता? हाँ, आज से तुम हमारे भाई बन गए और हम तो हर बहनियाँ। बहन, फिर तो बहुत मजा आएगा, तू पहले क्यों नहीं मिली? मैंने अकेले बरसों गुजार दिए। अरे बकलोल, हमार शुक्रिया अदा कर की पहले हम मिले, हमरे कारण माए मिली, माए के कारण बहनिया मिली। लेकिन एक बार बता देते, ई तो हर माए हो सकती है, ई तो हर बहनिया हो सकती है, लेकिन हम तो हर भाई भाई ना बनेगा। क्यों? अरे भाई भाई पोकट में ढो जमात है, बड़ा हो तो अकड़ता है, छोटा हो तो जगड़ता है। हाँ, वैसे दूसरा रिश्ता बना सकते हैं। दूसरा रिश्ता कौन सा? अरे दोस्ती का रिश्ता। हमारे पिताजी कहते थे कि दोस्ती का रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता होता है। भाई तो भाई को सिर्फ जान से प्यार करता है, मगर दोस्त दोस्त के लिए जान तक कुर्बान कर देता है, समझे? तो क्या कहते, मंजूर है दोस्ती का रिश्ता?
वही है दोस्त की जिसने जान दे के निभाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। मुझोसा इधर आओ, हमको सब दिखता है लेकिन हमारा दोस्त अमर हमको जब नहीं दिखता है ना तो हमारा कपार यानी कि हमारा माथा खराब हो जाता है। दौड़ा दौड़ा है हनुमान छूटा लक्ष्मण के पारान, बचपन से जवानी तलक हमको ऐसा दौड़ा रहा है अमर कि जैसे हम आदमी नहीं बल्कि रेस का घोड़ा हूं। हाय अरे ओ मैनेजर साहब, अरे ओ मैनेजर साहब, आपने हमारा दोस्त अमर को देखा है का? कौन अमर? अरे वही बुढ़बक। हाँ, दो तीन दिन से तो नहीं आया। वो अच्छा? कल अगर यहाँ आया तो उसकी हड्डियाँ माचिस की तीलियों की तरह तोड़ डालूंगा। अरे कौन है रे साला हराम खो, हमारे दोस्त को गाली दिए जा रहा है। आप एक तो बात बताइए, क्या है? आप एक ही पूरा हो या तीन चार चिपक के एक साथ पैदा हो गए? पढ़ना क्या बोला साला? साला भाई साहब, आप इनके साला हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं? उनसे नहीं, मैं तुमको बोलता हूँ साला। साला तो हम बोला साला कि हमारा देख कर दोस्त है अमर, उसको आप गाली काहे दे रहे हैं सर? तुम्हारा दोस्त है? जी सर। वो लोफर वो लुच्चा? जी सर। आजकल नौकर लोगों के साथ दोस्ती चालू कर दिया क्या? नौकर? अरे ये देखो हथनी के पेट से पैदा हुआ साला मगरमच्छ का औलाद। और क्या बोला? यहाँ नहीं सर, यहाँ नहीं, गरीब लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा सर, वहाँ चलते हैं, वहाँ। चल बाहर। बहुत दिनों के बाद एडवोकेट बाटली वाला की बाटली में कोई केस तो आया। आ जाए बेटो, बिहारी से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। क्या करता है यार? तुमने वो जाड़िये को जो मार के उसका डिपार्टमेंट सुझा दिया तो तुमने कानून का सर ऊंचा कर दिया। ऊपर किधर देखता है? नीचे देखना, मेरा नाम एडवोकेट भीम जी कांजी नानजी बाटली वाला है। तुम चाहो तो वो जाड़िये के ऊपर फौजदारी का मुकदमा कर सकते हो। अरे आप कौन सी बतियाते, हमको साला समझ में नहीं आता है। बतियाते हो? हाँ। यूपी का है क्या ये भैया है? अच्छा, कौन सी बोला रहे? नहीं नहीं, मेरा मतलब मेरे को आखी इंडिया की भाषा आती है, खाली साला केस कोई नहीं आता है। तो मैं ये बोल रहा था कि मैंने मेरे असिस्टेंट ने अपनी आंख से देखा कि वो झाड़िए ने तेरे को ललकारा, तेरे को गाली दिया, तेरे ऊपर हमला कर दिया। अभी तो बोल तो मैं उसके ऊपर फौरन केस कर देता। अरे नहीं भाई, हम बहुत बिजी है, हमारे पास टाइम है नहीं। मगर मेरे पास बहुत टाइम है। देखो भाई, हम अपना दोस्त को तलाश करने आए हैं, मालूम है सरू कहाँ गायब हो गया। अरे वो केस भी मैं हाथ में लेने को तैयार हूँ, तू खाली इतना बता दे कि तेरा दोस्त बुढ़ा था कि जवान था? बुढ़बक। कौन सा बक? अरे बुढ़बक जवान था का क्या मतलब हुआ रे? जवान है। वाह सुभान अल्लाह, फूलों के बीच से फूलों को शर्माने वाला फूल निकल आया। जी तुम? जी हम। जी तुम फिर फूल लेने आ गए? जी हाँ आ गया, मजबूरी है। जी क्या मजबूरी है? तुम पिछले 7 दिनों से लगातार दिन में 2 बार फूल खरीदने आते हो, क्या करते हो इतने फूलों का? किसी को तोहफे में? क्या बात कर रही हैं आप, मुझ जैसा गरीब आदमी जो अपने लिए एक वक्त रोटी नहीं खरीद सकता, किसी को तोहफे में देने के लिए 2 वक्त फूल खरीदेगा? जया जी, ए तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? कैसे मालूम नहीं होगा, एक गरीब दूसरे गरीब के दिल का हाल जानता है, एक गरीब दूसरे गरीब का नाम जानता है, और फिर मुझ जैसा उजड़ा हुआ गरीब। अरे क्या हुआ ये आंसू? क्या करूं जया जी, इंसान गरीबी का दर्द सह सकता है लेकिन तन्हाई और अकेलेपन का दर्द नहीं सह सकता। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है,
न माँ न बाप न भाई न बहन न दोस्त, कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं तुम्हारी तरह तुम्हारे अकेलेपन का दर्द महसूस कर सकती हूँ। बड़ी खुशी की बात है ये तो। जी जी जी, मेरा मतलब है कि ये बड़े दुख की बात है, मगर अगर एक अकेला दूसरे अकेले से मिल जाए तो अकेलापन दूर हो जाता है और अपनापन पैदा हो जाता है। अबे सर फोड़ दूंगा तेरा। जी 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 नहीं, देखिए बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप शाम को पार्क में मिलने आ जाए। क्या है कि मैं आपको अपने दिल के जख्म दिखाना चाहता हूँ, आप आएंगी ना? ना बाबा ना, मैं किसी अजनबी से अकेले पार्क में नहीं मिला करती। हैं? अजनबी? मुझ जैसा गरीब और अजनबी? वैसे भी पिछले हफ्ते सुबह शाम दिन में दो बार आपकी दुकान में आ रहा हूँ, यानी 14 बार हमारी मुलाकात हो चुकी है। लोग तो एक ही मुलाकात में अजनबी नहीं रहते। आओगी ना प्लीज? आओगी ना? ये लीजिए, आप ले लीजिए। अबे मुसीबत, बात क्या है, क्यों ढूंढ रहा है मुझे? अरे साला, लड़की लोगन का चक्कर में रिश्तेदारी बिरादरी जिम्मेदारी सब कुछ भूल जाता है ना। भूल गया ससुरा, आज ललता हम लोगों का राह ताक रही है। अरे धत तेरे की, मैं तो भूल ही गया था। अबे पहले क्यों नहीं है बुलाने? हाँ चल। लड्डू कहाँ है? लावा हम देते हैं, ये रहे लड्डू। इतना साल बीत गया, आज इस त्योहार के दिन तुम दोनों हमेशा वैसा ही लड्डू मुंह में ठूसा करते हो। हे भगवान, ये हमेशा ऐसे ही हाथ से खेलते रहे। अरे माँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अगले साल राखी के त्योहार पर इस घर में सब लोग नहीं होंगे, एक को जाना पड़ेगा। किसको? अरे माँ ललिता को और किसको? ये इसका आखिरी साल है यहाँ पर, अगले साल इसके घर जाकर हम राखी बंधवाएंगे। क्यों ऐसी गंभीरता से कह रहे हैं जैसे कोई लड़का चुन लिया है बहना के वास्ते? अरे माँ लड़का है तभी तो कह रहा हूँ, एक लड़का है सुधीर। हाँ। मेरी ऑफिस में काम करता है। हाँ। बहुत शरीफ और ईमानदार लड़का है, मैं बहुत जल्द उसे मैनेजर बनाने वाला हूँ, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग उसे देख सकते हैं। बकलोल, अरे जब तुम देख लिया है तो हमको देखने का क्या जरूरत है? कहाँ हो माई? अरे वो सब ठीक है, पर तुम दोनों ने अपनी शादी के बारे में भी कुछ सोचा कि नहीं? अरे नहीं माई, अभी इतना जल्दी का है, अभी तो हम लोग बिल्कुल बच्चा है। बच्चा है? बहुआ, छुटका छुटका बहुआ। छुटका छुटका बहुआ, छोटी बहन जवान हो गई, खुद अभी बच्चा ही है। ठीक है, हम आज से अपनी बहू खुद ही तलाश करें। अरे तलाश करने का कोनो जरूरत नहीं है माई, इसने अपने तालाब में बहुत सारा मछलियाँ फंसा के रखा है। मछलियाँ? हाँ। अरे बात यह है माँ कि मैंने वो मछली का बिजनेस शुरू किया है ना, उसे एक्सपोर्ट करता हूँ, ये उसी के बारे में बात कर रहा था। वही कह रहा था ना तू? पिछवाड़े आना तो सही, पिछवाड़े का है? मैया माँ के सामने क्या बकवास कर रहा तो कहा, हम मजाक कर रहे थे, झूठ बोलता है का, दर्जे में तुमने पटाखा नहीं रखा है का, और उसका कहना जहाँ से तू अभी अभी होके आ रहा है उसका कौन है मालन? अबे धोती वाले वो मालन नहीं, वो फ्लोरिस्ट है, फ्लोरिस्ट फूल बेचने का बिजनेस करती है। जो भी उसको लाकर माई से मिला दे, वो लड़की बहुत शरीफ लगती है रे, पहला लड़की है जो उनको बहुत पसंद आ गई है। क्या बोला बे? अरे बोल बक बोड़ा ही के हम तुम्हारे लिए बोलते है ना, हमारी तो भौजाई लगेगी रे। वैसे वो लड़की मुझे भी बहुत पसंद है। अरे बुड़बक तो जल्दी से ला के उस लड़की को माई से मिला दे ना। माई से कैसे मिला दूं? पहले खुद अपने दिल की बात उससे कर तो लूं। लो सुनो, तो अब तक उससे कौन सा बात कर रहे थे? खैर आज मैं उसे पार्क में मिलने वाला हूँ, पूरी बात का खुलासा कर दूंगा। अरे बाप रे टाइम हो गया मैं। अरे सुन भैये, पटाके आना आँखियाँ मिला के जिया भरमा के जाने नहीं देना। तेरे मुँह में घी शक्कर मैं चला। हाय जय जी। हाय अमर जी। अरे आप आ गई, मुझे पूरा यकीन था कि मेरा प्यार आपको यहाँ जरूर खींच लाएगा। मुझे यहाँ प्यार नहीं बल्कि मजबूरी खींच लाई है। मजबूरी? क्या मतलब? मतलब ये कि आप तो गरीब है ना, आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हाँ बिल्कुल अकेला हूँ और इतना गरीब हूँ
कि गवर्नमेंट ने गरीबी का सर्टिफिकेट भी दे दिया है। हाँ वो तो दिखाई दे रहा है और यही असली मुसीबत है। दरअसल मैं बहुत अमीर खानदान की लड़की हूँ। हाँ और मुझ जैसे अमीर की डोली आप जैसे गरीब के घर तो जा नहीं सकती है ना? लेकिन लेकिन आपने तो कहा था कि आप बहुत गरीब हैं। I'm sorry, मैंने झूठ बोला था। क्या कोई बात नहीं, मैंने भी झूठ बोला था कि मैं गरीब हूँ। दरअसल मैं खानदानी रईस हूँ, होटलों का कारोबार है, लाखों का बिजनेस है। मैं सच कह रहा हूँ जया जी, अब तो मेरी डोली आपके घर आ सकती है ना? मेरा मतलब है आपकी जी डोली मेरे घर आ सकती है ना? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों, अब क्या हो गया? क्योंकि तुमसे सच्चाई जानने के लिए मैंने तुमसे झूठ कहा कि मैं अमीर हूँ। आप कितना झूठ बोलती जया जी। झूठा नाटक तो आपने मुझे गरीब के साथ किया, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। क्या मिला आपको? देखो जया, मैंने झूठ जरूर बोला है लेकिन सिर्फ तुम्हारे करीब आने के लिए, तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार जगाने के लिए। हाँ जया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। बनोगी ना?
से हंसे मैं ये कहता हूँ सनम हो आपके जैसा नहीं मैं ये कहती हूँ आपके जैसा नहीं मैं ये कहता हूँ सनम हम ये कहते हैं कि भौजी के जैसा कोई नहीं हा हा कोई नहीं भौजी हा हा कोई नहीं भौजी भौजी किए जा रहा है लेकिन वो भौजी बनेगी कैसे ये भी एक भयंकर समस्या है। अरे का हुआ रे बबुआ का हुआ रे छोरा कौन सी समस्या है बोल। अभी देख बिहारी क्या का सिर्फ एक ही रिश्तेदार है और वो है उसका मामा जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। जाहिर है जय उसकी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठा सकता। अरे तो इसमें इतना भिदकने का क्या बात है। अरे कौन भिदक रहा है। अबे और नहीं तो क्या मामों का आपत्ति हो सकता है। अरे क्या खराबी है तुम में हाँ खूबसूरत हो पढ़े लिखे हो अच्छा फैमिली है जवान हो पैसा है। अरे वो सब तो ठीक है लेकिन उससे जाकर बात कौन करेगा। तुम्हारे बाबूजी मेरे पिताजी को तो नोट छापने वाली मशीन से फुर्सत ही नहीं मिली। अरे तुम फिक्र काहे करता है रे हम बालों में सफेदी लगा कर तुम्हारे बाबूजी बनकर जया के मामा से बात करके चले आते हैं। अरे बिहारी तू मेरा दोस्त मेरा भाई बनकर जा और रिश्ते की बात करके आ। हाँ तो फिर तुम यही खड़ा रहो और लस्सी पियो हम अभी बात करके आते हैं। अबे ठहर तू इस हुलिया में जाएगा क्या। ये हुलिया में क्या मतलब है तुम्हारा। मतलब ये कि तू ये हुलिया पहनकर भाभी लाने जा रहा है कि मंडी से गाय भैंस लाने जा रहा है। हे भगवान जी ये क्या बुड़बक का माफिक बात करता है। अरे बिहार यूपी का हर बड़का बड़का आदमी ऐसा ही ड्रेस पहनता है ये भारत के नेता लोगों का पोशाक। अबे बिहारी अरे हम समझ गया हुलिया बदल के जाता हूँ। वेलकम सर। सुधीर अमर की अचानक शादी ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई। सर बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन अमर बाबू नहीं माने। आई डोंट वॉन्ट टू हियर अबाउट इट। ये शादी हर हालत में रोकनी होगी। अब तो नामुमकिन है सर अब तक तो फेरे भी लग चुके होंगे। भगवान तुम दोनों का दामन इतना खुशी से भर दे कि संभाले ना संभले। दूधो नहाओ पूतो भलो। शादी मुबारक हो सर बाबू जी आ चुके हैं आप ही का इंतजार हो रहा है। अरे मैया के मैया बड़का मालिक आ गए हैं वो तलवार से हमारा गला काट डालेंगे हम चलते हैं। अरे मेरी सुन अब क्या होगा। घबराने की बात नहीं पिताजी थोड़ा ही गुस्सा होंगे क्योंकि उनके पास ज्यादा गुस्सा होने का वक्त ही नहीं है। आओ अरे वेलकम माय सन वेलकम माय बहू। डैडी आप और ये फूल। ये फूल प्यार दोस्ती मोहब्बत दुश्मनी शादी ये सब बिजनेस है और हर बिजनेस की शुरुआत फूलों से होनी चाहिए। स्टार्ट अच्छा मिलता है। लेकिन डैडी मैं तो समझ जाता कि आप नाराज होंगे। मैंने सोचा था कि नाराज हो जाऊं फिर सोचा कि नाराजगी बेकार जो होना तो हो गया। और फिर तुम एक बिजनेसमैन के बेटे हो जिंदगी में जो कोई सौदा किया होगा सही किया होगा तो नाराजगी किस बात की। एंड दैट्स माय कैलकुलेशन माय सन। इसी को कहते हैं हिसाब किताब। Now come on, let's celebrate with some champagne. मुबारक हो। अरे क्या खाक मुबारक हो साला हर रोज ये मोहल्ले से आना जाना होता है कभी नजर नहीं पड़ी तेरी होटल के ऊपर। फोकट में साला आके शहर में घुमा दिया मेरे को। मैं तो जमीन पे नजर रख कर चलता हूँ। आज अभी जमीन का कचरा खाता है कुत्ते के माफिक पता किधर का। ए बे आवाज भी खराब हो गई। ए बिहारी वकीलवा। अरे हे वकील बाबू आइए आइए प्रणाम प्रणाम स्वागतम स्वागतम। काय का स्वागतम यार मेरा तो साला दुर्गतम हो गया है। कहा हुआ कहा हुआ। तू वो दिन बोला होता ना कि मेरे होटल पे आ जाना तो मैंने मेरा ये सड़ेला असिस्टेंट हम दोनों पोस्टमैन के माफी गली गली मोहल्ला मोहल्ला मकान मकान तेरा होटल ढूंढ रहे थे। साला ढूंढते ढूंढते मेरी तकदीर के माफिक मेरा जूता भी खस गए थे। अरे भैया बेफजूल का इतना मुसीबत काहे को मोल ले लिया। अरे कोई भी टैक्सी में हमारा नाम लेकर बैठ गए होते तो टैक्सी वाला ससुरा सीधा आपको हमारा दुकान पहुंचा देता। टैक्सी में ये मैं एक देड़िया नहीं है तीन महीना हो गया बस में नहीं बैठा हूँ और तू बोलता है टैक्सी में आ जाते।
देखी वाला मेरा क्या बाप लगता है। अच्छा भैया जी अच्छा, आप नाराज मत होइए, बोलिए क्या पीजिएगा। क्या पीजिएगा, मैं बोला था ना भैया है भैया। बुढ़वा क्या बोला रहा है? नहीं, अरे यार कल से खाना नहीं खाया, तू बोलता है क्या पीजिएगा। तेरे मन की बाटली में कुछ मुरौवत का पानी है, भापन के उड़ गया सब। अच्छा अच्छा बिहार जिंदाबाद, रूठिए नहीं, बैठिए बैठिए भैया, हम आपके लिए थाली मंगवाते हैं। जल्दी मंगा दो, पेट को भी चक्कर आ रही है। दूधो थाली लाओ और दूधो लस्सी लाओ। मलाई मार के, ए भाई वो लस्सी में जरा मलाई मार के लाना। ला बाबूजी। अरे बस तेरा भी कमाल है यार, फोकट मेरे को अखा शहर में दौड़ा दिया। मैं तेरे बाजू में तो रहता हूँ यार, सीधा एड्रेस नहीं बताने का, बगल में बच्चा ने शहर में डंडोरा। हाँ ये तेरे घर के पीछे, वो बाजू में कासो मंडी वाले की चाल है। हाँ। उसके बाजू में गटर है। हाँ। गटर के बाजू में मेरा घर है। हाँ। तू यहाँ से खड़ा होकर थूकेगा तो सीधा मेरे घर में जाके गिरेगा। अभी मत थूक भैया, भाई किधर थूक रहा है। खाइए। आहिस्ता खाइए आप लोग, आहिस्ता, नहीं तो निबाला कौर मुंह में अटक जाएगा। किधर से अटकेगा, अंदर कुछ होएगा तो अटकेगा ना। मेरे को तो लगता है साला पेट में हथड़ी भी नहीं है। मुबारक हो। अरे डकार तो पूरी लेने देना था ना यार। बिहारी भैया, बिहारी भैया, वो दारू वाला टोनी है ना, टोनी। तो क्या हुआ टोनी को? वो फिर से हमारी जमीन पे दारू के ड्रम रखवा रहा है। मैंने मना किया तो आपको गाली दे रहा है। हमको गाली आ रहा है, वो सरो का मौत आया है। हाँ अमराता, ड्रम, जमीन, दारू, ये तो केस वाला मामला लग रहा है। ये तूने अच्छा नहीं किया बिहारी, आज तूने टोनी के ड्रम नहीं फोड़े बल्कि अपनी तकदीर को फोड़ दिया। सरो हमारा तकदीर तो ऊपर वाला लिखा है, उसको छोड़ के हमारा तकदीर तो तकदीर, कोई तस्वीर को भी साला हाथ लगाए ना ये डंडवा देखते हो ना सीधा बुझ गए ना साला। तेरा बोहिनिया का बात फिर जाएंगे। ए दाड़ी, ये भागता किधर है? अरे केस तो बनाने दे। ए छापन टिकली साला भाग गया। मुबारक हो। मुबारक हो क्या, भाग उसके पीछे, पकड़ उसको। अरे ए सुनो, अरे पर ये जमीन किसकी है? ये जमीन हमरा है, हमरा। क्या की जमीन तेरी है? अरे और नहीं तो किसका है, ये सब जमीन हमरा है, हमारे बाबूजी के टाइम से है। तू क्या करता है यार, तेरे सामने इतना बड़ा सोने का खेत लगेला है, नहीं तो होटल के गले पे बैठ के आठ आठ आना ने बारह बारह आना ने रुपया रुपया जमा करता है। तेरे को मालूम है तू लखपति आदमी ने, अभी तू ये जमीन बेचेगा तो तेरे को सोने का भाव मिलेगा मालूम। अरे हमको सब मालूम है, वो बड़का बड़का बिल्डिंग बनाता है, कहा बोलते हैं उन लोगों को बिल्डर यार। हाँ बिल्डर वा, बिल्डर वा भैया है ना। क्या बोला? नहीं नहीं मैं बिल्डर की बात करता हूँ। बोल। हाँ वो बिल्डर लोग रोज आते हैं हमारे पास ये जमीन खरीदने के लिए, कहते हैं तुम ये जमीन बेच दो तो हम तुमको ऊंचा बिल्डिंग बनाकर उसका ऊपर सबसे ऊपर वाला क्या कहते हैं उसको, टॉप फ्लोर। हाँ टॉप फ्लोर दे देंगे। फिर तूने क्या बोला? हम तो इनकार कर दिया। काहे को? काहे कि देखिए हम जो टॉप फ्लोर पे जाके रहने लगेंगे तो हमारी भैंस कहाँ रहेगी, हम भैंसी तो ऊपर नहीं चढ़ सकती है ना, बताइए। भैंस के वास्ते तूने टॉप फ्लोर का इनकार कर दिया? हाँ। बाबा क्या कुर्बानी दिया तूने दोस्त। धन्यवाद भाई साहब। ये धन्यवाद भी बोलता है, कुछ शर्म है कि नहीं? ये ऊपर वाला इसके जैसे चार पांच मॉडल और पैदा कर देता, ये अखी दुनिया तबेला बन जाती और आदमी और भैंस मिलके साथ में दूध दे रहे होते। अरे बक बक मत करो, सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात तो ये है वकील साहब, क्यों हमसे हमारा घर और होटल दोनों तोड़ने को कहते हैं। तो इसमें बुराई क्या है यार? अरे बुराई है वकील बाबू, बहुत बुराई है। कहा है कि हम पैसे के नहीं भावना के, हमारा मतलब कि जज्बात के पुजारी हैं। हम ये घर के वास्ते ये जमीन को छोड़ सकते हैं, लेकिन जमीन के वास्ते ये घर को नहीं छोड़ सकते। तू मेरे एक बात बता। हाँ। तेरा घर जो है ये कौन सा शहंशाह शाहजहां का बनाया हुआ ताजमहल है कि तू उसको तोड़वा नहीं सकता है? आप नहीं समझोगे वकील बाबू, ये घर हमारे लिए ताजमहल से भी बढ़ के है वकील बाबू।
ये हमारे बाप का यादगार है, हमारे बाबूजी का मेहनत का मंदिर है। ये घर, ये मंदिर हम किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे और ना ही तोड़ेंगे। कमाल है दोस्त, आजकल के इस बेईमानी के दौर में भी ऐसे जज्बात वाले इंसान मौजूद हैं। अपने बुजुर्गों की मेहनत की पूजा करने वाले ईमानदार लोग मौजूद हैं। मान गया दोस्त, ये एडवोकेट बाटली वाला तेरी ईमानदारी की बाटली में उतर गया। तेरे को सलाम है दोस्त। वेरी गुड। मॉडल तो बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन जमीन, जमीन का क्या हुआ? सुधीर, तुम किसी जमीन के बारे में बात कर रहे थे, क्या हुआ उसका? जी सर, लेकिन उस प्लॉट का मिलना जरा मुश्किल है। मुश्किल क्यों? उसके मालिक को कई ऑफर्स गई हैं, लेकिन वो देने से इनकार करता है। कौन है उसका मालिक, क्या नाम है उसका? जी बिहारी, अपने अमर बाबू का दोस्त है। अच्छा अच्छा, वो बिहारी? आई सी, तब तो इस मामले को अपनी कैलकुलेशन पे छोड़ दो। हम बिजनेस में दोस्ती नहीं करते, मगर दोस्ती में बिजनेस कैसे की जाती ये हम जानते। रीटा, अमर आ गए? गुड मॉर्निंग। आओ अमर, आओ। गुड मॉर्निंग। ब्यूटीफुल, लवली। पसंद आया? यस डैड। ये मॉडल उस 5-स्टार होटल का है जो मैं तुम्हारे लिए बनवाना चाहता हूँ। मेरे लिए? हाँ भाई, अपने इकलौते बेटे को, उसकी शादी पे मैंने कोई माकूल तोहफा तो दिया नहीं, तो मैं एक ऐसा तोहफा देना चाहता हूँ जिसे सारी दुनिया देखेगी। ये 5-स्टार होटल मेरी तरफ से अपने और बहू के लिए तोहफा समझो। थैंक यू डैड। लेकिन बेटे, एक बढ़िया होटल को बढ़िया जमीन की जरूरत होती है, और जो प्लॉट हमें पसंद आया है उसके मिलने में जरा दिक्कत आ रही है। दिक्कत? कहाँ है ये प्लॉट, कौन है इसका मालिक? यही करीबी में है, और उसका मालिक भी अपना ही आदमी है। अपना आदमी? तुम्हारा सबसे प्यारा और अजीज दोस्त। आपका मतलब बिहारी से है? हाँ। ठीक है डैड, मैं बिहारी से मिलकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो समझ लो तुम्हारा होटल भी खड़ा हो गया। ए अमर, एक आज जमीन की तरफ टुकड़ टुकड़ देख रहा है। मैं सोच रहा था कि अगर इस जमीन पर 5-स्टार होटल बनाया जाए तो कैसा रहेगा। बहुत बकवास लगेगा, एकदम खराब। साला होटल का शान और हमारे घर का शान में बहुत फर्क पड़ जाएगा। बहुत लोग आए यहाँ, हम कह दिया कि दरवाजे से बाहर निकल जाओ भाई। अच्छा? हाँ, हम कह दिया कि ये जमीन बेचने का है ही नहीं कोनो कीमत पे। मगर सुन, तू काहे पूछ रहा है रे? कोई खास बात नहीं है यार, यूं ही पूछ रहा था। खास बात नहीं है? अरे तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा जुबान एक दूसरे से मेले नहीं खा रहा है। चेहरा कुछ और कह रहा है, जुबान कुछ और कह रहा है। क्या बात है, बोल ना। देख, हमसे कुछ छुपा रहा नहीं, जो बात है खुले मन से बोल। तुमको हमारा कसम, बोल। देख यार, कसम वसम मत दे, बताता हूँ। पिताजी सोच रहे थे अगर इस जमीन पर मेरे लिए 5-स्टार होटल बन जाता। तुम्हारे लिए? बाप रे बाप, आप बुझाया हमको। बाबूजी तो बड़ा दूर का कौड़ लाया भाई, कि बेटवा का शादी हो गया है, उसके लिए अच्छा सा धंधा पानी खोल दो, तभी ना बहुआ सीधा रास्ता पे आएगा। एक काम कर, जल्दी से होटल बना, फौरन काम शुरू कर। लेकिन यार, तू तो कह रहे थे कि ये जमीन तू किसी को नहीं बेचेगा। वो तो हम अब भी कहते हैं, ये जमीन हम किसी को नहीं बेचेंगे। लेकिन तू किसी है कारे, तू तो हमारा कलेजा का टुकड़ा है। अरे तू जमीन का बात करता है? अरे बिहारी के सीना पे ट्रैक्टर चलवा के भी होटल बनवाना पड़े ना तो बनवा लेना। ए माई, माई, यो माई, रे माई। अरे बिहारी, क्या हुआ, काहे को चिल्ला रहा है? अरे हम चिल्ला रहा है, हमारा तो मन करता है माई कि चिल्ला चिल्ला के आसमान का तारा सितारा तोड़ के यहाँ जमीन पे गिरा दूँ। पर हुआ का? अरे पूछो का नहीं हुआ माई। अरे ये अपना छोटका बहुआ है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा होटल बनवाने जा रहा है। होटल? हाँ। सच भैया? अरे बिल्कुल सच भैया। अरे अमर, ये तो बड़ी खुशी की बात है, हम भी 24 घंटे अमर भैया के होटल में रहा करेंगे। देखा, हे भगवान, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। अरे मौका मिलते ही दल बदल का भजन गाने लगी। बस बड़ा होटल देखा तो वहाँ खाने जा रही है, जाओ हमारी तरफ से आदेश है। एक मिनट, जरा इधर आना, बात करना। बिहारी, अब वो जरा जरा का पैसों की बात हो जाती तो। पैसा? काहे का पैसा बे? जमीन की कीमत जो बोला अदा कर दी जाएगी। कहा?
अरे साला, तुम हमको पैसा देगा? ये जमीन के बदले हमको कीमत देगा? नहीं नहीं, लेकिन ये तो बिजनेस है यार। कौन सा बिजनेस? बिजनेस का ऐसी की तैसी। गरीब दोस्त को तुम पैसा का थौस दिखा रहा है। एक रख के मारूंगा कि 32 का 32 दांत तुरा बाहर निकल जाएगा। ए बिहारी, ए तुम क्या कर रहा है? शर्म नहीं आती? अरे हमको डांटे जा रही हूँ माई, ये बदमाश को कुछ बोलती नहीं? ये पैसा से हमारा जमीन खरीदना चाह रहा है। माँ तुम इसे कुछ समझाओ ना, ये तो कुछ समझता ही नहीं है। बबुआ, ये माँ समझाने की कौनो बात है? तुम हमारा बिटुआ हो, बिटुआ माई को जमीन की कीमत देगा, बिटुआ माई के बीच पैसे की दीवार खड़ी करेगा। बबुआ, बिटुआ माई को कीमत ना ही दे, पर जब माई मर जाते तो ओकी अर्थी को कांधा देते, ओकी चिता को आग देते। नहीं माँ, मत कर ऐसी बात, ऐसी अशुभ बात अपनी जबान से मत निकाल। फिर तू भी कभी माई का सामने पैसे की बात मत करना। चल बिहारी, गले मिल। जबरदस्ती रुला दिया।
आई एम प्राउड ऑफ यू अमर, इसे कहते हैं बिजनेस। बट बहु कौर जमीन भी मिल गई और वो भी मुफ्त। ये बिजनेस नहीं है डैडी, ये प्यार है। प्यारी वो जमीन नहीं जाए, तुम भी बैठकर खाओ ना। प्यारी वो जमीन हमें मुफ्त सिर्फ इसलिए दे रहा है कि मैं उसका दोस्त और आप न जाने उसके बारे में क्या क्या कहते रहे कि वो गरीब है, छोटी बिरादरी का है और उस छोटे से आदमी ने वो काम कर दिखाया जो बड़ी बिरादरी वाले कभी करने का सोच भी नहीं सकते। हाँ बेटे तुम ठीक कहते हो, गलती मेरी थी, मेरा कैलकुलेशन उसके बारे में गलत था। अब मेरा कैलकुलेशन भी सुन लीजिए डैडी, हम प्यार का जवाब प्यार से ही देंगे, दोस्ती के रिश्ते को दोस्ती में ही तोलेंगे। मैं चाहता हूँ कि जमीन बिहारी की, होटल हमारा, जो भी मुनाफा हो आधा हमारा आधा बिहारी का। ओके यू आर राइट, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये बिजनेस सही है, मैं आज ही एग्रीमेंट बनवा देता हूँ। अग्रीमेंट का क्या जरूरत है बाबूजी, हम जो कह दिया सो कह दिया, आप होटल का काम फौरन शुरू करवा दीजिए। इस अग्रीमेंट पर हम दस्तखत अपने लिए नहीं करवा रहे बिहारी, ये तो हम म्यूनिसिपैलिटी, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बिल्डिंग अथॉरिटीज, इन सब के लिए करवा रहे हैं। क्योंकि तुम तो जानते हो कि कागजी कार्रवाई के बगैर तो सरकार हमें यहाँ होटल बनाने की इजाजत नहीं देगी। ये समझ लो कि ये भी हमारी कैलकुलेशन है। जी समझ गए बाबूजी, ये गवर्नमेंट का पॉलिटिक्स है। गवर्नमेंट का पॉलिटिक्स जी, क्योंकि वहाँ तो कागजात चलते हैं, विश्वास जबान पे चलती नहीं। ये आप ठीक ही कह रहे हैं बाबूजी। हाँ। अब देखिए जहाँ हमसे दस्तखत करवाना करवा लिए, बोले कहाँ करना बाबूजी? यहाँ करना बाबूजी। यहाँ के काम करो, ये जगह चकाचक तैयार करना है जल्दी से। बिहारी मैं गए 3 महीने से देख रहा हूँ, तू तेरा काम धंधा छोड़कर इधर दिन में 2-3 मरतबा चक्कर मारता है। तेरे को पंचायत क्या, तो ये बात मेरे भेजे की बाटली में टपकाएगा, फीस नहीं लूंगा इसकी। अरे वकील साहब आपको तो बुझता ही नहीं है, कहा है कि हमारे दोस्त का होटल बन रहा है, उसका देख रेख के लिए कोई आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। बराबर है, ये किसी को बोलना नहीं, मेरे को कोई वकील का काम देता तो है नहीं, तो मेरे को इधर पार्ट टाइम वॉचमैन की नौकरी दिलाएगा? बहुत हाई लेवल की कड़की चल रही, खाने को एक पैसा नहीं है। ये किधर गया साला, जिससे मतलब की बात करो भाग जाता है, कुछ सुनता ही नहीं है। अरे ये आंखें फाड़ फाड़ के टुकुर टुकुर क्या देख रहा है, कौन है तू? कुकुर हमारा मतलब है कि सीधी सीधी तरह घमेला सर पे रख, नहीं तो खाएगा एक उल्टे हाथ का। अरे आए क्या चक्कर चल रहा है? हम देख रहे थे कि मजदूरों की खूबसूरती को देख रहे थे। मजदूरों की खूबसूरती? हाँ, और इस जगह पर? हाँ नहीं, हम देख रहे थे कि मजदूर लोग कैसे खूबसूरती से काम करते हैं। अबे बिहारी एक बात बता, तू किसी को पटा वटा तो नहीं रहा? पटा रहा नहीं, नहीं पटा नहीं रहा। हाँ पटा रहे, लेकिन इसलिए पटा रहे हैं कि अगर ये होटल में खाना खाते तो होटल कितना पब्लिसिटी हो जाता। नहीं हरिया, अरे देखो कभी कभी हमारे होटल में खाना खाए आया करना, और अकेले मत आना भैया, अपने साथ साथ खास खास लोगों को भी लेके आया करना, बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन बनाते हैं। बिहारी बाबू जरूर आएंगे। आई मर गया, कलेजा में तीर गड़ गया। ओ बिहारी क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, चल। अबे अब क्या हुआ? चलो चल कर लस्सी पीते चलो। ये टकले गंजे मोटे का 2 रुपया आठा ना, ये अंधे ने 2 लड्डू खाए 2 चुराए, इसका 2 रुपया। बाबू साहब कितना हुआ रे? 3 रुपया। 3 रुपया ये लो अपना 2 रुपया। सुनिए, सुना है यहाँ खाने पीने को बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती है।
कहो क्या खिलाओगे हमको? बोलो ना क्या खिलाओगे? बोलो क्या चाहिए? बर्फी, गुलाब जामुन, दूध, चाय या लस्सी? नहीं, नहीं ये सब नहीं चाहिए, खाली लस्सी ले आ। ये अच्छा बर, 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 ठीक है बर्फी भी खिला दे और लड्डू। लड्डू? लड्डू तो मन में फूट रहे हैं। आगे मैया, आगे मैया। अरे पापड़, पापड़। पापड़? हाँ टेस्टी पापड़, बहुत स्वादिष्ट होता है, सर्वोत्तम मसालों से तैयार किया गया है, बहुत कुरमुरा, बहुत कुरकुरा। चल लेगा। इसका मतलब अपना मामला दौड़ेगा। तीर गड़ गया। ए, तुम किधर जाता है? हम बाहर जाता हूँ। बाहर जाता हूँ? हाँ। तो अंदर जाता है। अरे बकलोल हमको एक तो बात बताओ, जब हम अंदर जाता हो तो तुम काहे पूछता है कि हम किधर जा रहे हैं? पकड़ो पकड़ो। जेंटलमैन आज मैं आपको एक सरप्राइज देने जा रहा हूँ। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस साल ऑल इंडिया होटेलियर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए मिस्टर अमर सक्सेना को चुना गया है। प्लीज अमर, बहुत जरूरी काम। अमर तुम हमारे साथ आओ, जल्दी चलो। अबे बिहारी देखता नहीं बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है। अरे हमारी मीटिंग इससे भी ज्यादा जरूरी है, हमारे जीवन और मृत्यु का सवाल है। देख चल, नहीं तो ही खड़ा खड़ा टेबल पे लेटर जान दे दूंगा। चल। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आप लोग मीटिंग जारी रखिए, मैं भी हाजिर हुआ। ए दरबन में लुई लुई। कौन है चाहिए गवार आदमी जो अमर बाबू की तरफ खींच के ले गया? अच्छा तुझे एक मजदूर लड़की से प्यार हो गया है, उसके बगैर तू जिंदा नहीं रह सकता। इतनी घटिया बात कहने के लिए तू मुझे जरूरी मीटिंग से घसीट कर यहाँ लेकर आया। चुप इट इडियट। घटिया? हमारा प्रेम का बात घटिया? साला चट्टा लुच्चा, मतलब ही जब अपना बारी था तो कुकुर यानी कुत्ता की तरह गली गली घूमता रहता, फटाफट वाला जूता की तरह। जोन छोकरिया नजर आती थी उसका कदमों में अपना मुंडी डाल देता था। एक तो बड़ी मुश्किल से लड़की फंसी है, तो क्या करे, शर्म के मारे जुबान ही नहीं खुलता है। हाय हाय शकल तो देखो, तुझे शर्म आती है? बड़ी लज्जा आती है। तुझे लज्जा आती है तो मैं क्या करूं? देख अमर, देख देख, लड़कियों के मामले में तुमको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है यार। तू हमारा तरफ से उस लड़की से बात करो, प्यार का बात हमारा तरफ से। तेरी तरफ से? हाँ, पागल हो गया है। प्यार तू करे और बात मैं करूं, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा? ठीक है तेल लगाओ, हम खुद ही चक्कर चला लेंगे। चक्कर चला तो चला, नहीं तो दुकान से जहर खरीद के सचमुच का जान दे देंगे। अबे चुप्पे बुजदिल कहेगा, साला छोकरी के लिए जहर खाएगा, शर्म नहीं आती? अच्छा बता मुझे करना क्या होगा? हाँ अबे वो मनेर के लड्डू बोलना, मुझे करना क्या होगा? अरे देख भैया, तू जाके अपना स्टाइल में उससे अच्छा अच्छा बात करना और पूछना कि हमारी भाभी बनेगी क्या। तुमरी भाभी साला। देख अपना तरफ से कोई बात मत करना, समझा? सब बात हमारा तरफ से करना, ऐसा समझ लो कि जबान तुम्हारा और दिल हमारा। अबे मैं समझ गया, जबान तेरी और दिल मेरा। तेरी भाभी कहाँ? तेरी भाभी? तेरी? हाँ मेरी। उधर डर मत, अभी सब पटाकर आता हूँ, देख तू सही। अरे भगवान जी का नाम लेके जाना भैया। सुनिए क्या है? जबान मेरी, दिल तेरा। नहीं नहीं, दिल तेरा, जबान मेरी। नहीं नहीं, हाथ मेरा और गाल तेरा। अरे हुआ क्या तुम्हें? शाम से हंसती जा रही हो? ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बुरी बात है। क्या बुरी बात है, क्या नहीं करना चाहिए? यही मेरा हाथ और तुम्हारा गाल। यानी ये बात तुम सबकी पहुंच गई? जाहिर बात है, बीवी तो शौहर की परछाई होती है। जब थप्पड़ पति के गाल पर पड़ेगा
तो उसकी आवाज पत्नी के कानों तक तो आएगी ही, मगर आप भी तो लड़कियों से मार खाते फिरते हो। अरे क्या बात करती हो, ये अपने लिए थोड़ी खाई। तिहारी के लिए खानी पड़ी। और नहीं तो क्या, वो तो उस लड़की के प्यार में मरा जा रहा था। जाहिर बात है, आखिर दोस्त किसका है। चुप, जया की बच्ची। अभी दिखाता मुझे। ठेकेदार ने तुझे दरुली ने भेजा है ना, टैक्स नहीं भरेगी। टैक्स? कैसा टैक्स? टैक्स का मतलब मैं बताता हूँ। लड़की है बिजली है साली, जब तक होटल तैयार नहीं होता मेरे नाम से ठेकेदार को फोकट में दारू पिलाना। बिजली? अबे भैया ये जगह तेरी नहीं है, सीधी तरह चले जाए यहाँ से। तुम साला सब कुत्ता का जात हमको भैया बोलता है। भैया मत बोलो, बोलो बाप, समझे सरू? और ये भी देख लो कि भैया जब बाप बनता है तो कैसे सबका मैयार होता है। भैया नहीं। आपको भैया कहने का नतीजा देख लिया तुम लोग, साला एक एक हाथ में सबको धरती सुंगा दिया। पहलवान चाला, देखो ये तो सिर्फ हमारे हाथ का कमाल था, लेकिन हमारा लात भी बहुत बलवान है, अब हम इन लोगों को लात से मारेंगे। खामोश, हमारा हाथ बांध दिया जाए, हमारे आदेश का पालन हो। अभी दिखाता हूँ कि हमारे लात कितने बलवान है, उड़ा तुम्हारी मतारी का। जोश में हाथ बांधना बहुत भारी पड़ गया रे। अरे यार कैसी नाजुक चीज पे क्यों मारता है भैया, आपको सूरदास बनाना है का? अरे आजा दोस्त, तुझको तुम्हारा यार बुलाए, आजा। बिहारी बाबू को मार पड़ रही है, अब आएगा मजा। आगे भैया मार साले बिहारी को। अरे देखो उसको मजाक मजाक खेलने का आदत है, उसकी बात में मत आना। हाँ। मुझ पे हंस रहा था, आज खा मार बच्चों आज। साला हमरा हूहू हो रहा है और तुमको सीटी में जाने का सोच रहा है। अरे तुम कैसे दोस्त हो, वहाँ वो गुंडे तुम्हारे दोस्त को मार रहे हैं और तुम यहाँ बैठे तमाशा देख रहे हो, सीटियाँ बजा रहे हो। कौन दोस्त? वही दोस्त जिसके लिए कल तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। हाँ, और वो वहाँ खड़ा होकर हंस रहा था मुझ पर। कोई बात नहीं, आज पढ़ने दो साले को। दोस्ती की खातिर ना सही, इंसानियत की खातिर, मेरी खातिर उनकी मदद कर दीजिए। तुम्हारी खातिर? तुम क्या लगते हो मेरी? बोलो बोलो तुम क्या लगते हो मेरी? देखो अगर तुम मेरी भाभी बनने को तैयार हो तो मैं अभी जाकर कुछ कमाल दिखाता हूँ। भाभी बनोगी? सर झुका लिया, इसका मतलब इकरार किया। अभी देखो कैसे बाउंड्री सिक्सर मारता हूँ। जय बजरंगबली। बहुत बहुत धन्यवाद, हम खुश हुए। खामोश। अरे बकलोल हमारा हाथ तो खोल। अबे खामोश। भूतनी के छोटनी साला। कल थप्पड़ और आज जूता। चुप मुझोसी, भाग गए। अरे अमर आज वक्त नहीं आया होता तो हमारी जान चली गई होती, और अगर आज हम वक्त नहीं आए होते तो तुम्हारा मालूम है काका हो जाता है, है? पगला गई, भाग गए, भाग। अरे दारू के अड्डे पे क्या करने आई थी बोल? मैं ठेकेदार के लिए दारू लेने आई थी। अरे खामखा क्यों भटक रहा इस पर? बेचारी को रुला दिया, कल तक तो कह रहा था कि इसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसके बगैर जी नहीं सकता, अगर मेरी से शादी नहीं हुई तो मैं हाथ खुशी करके मर जाऊंगा। अबे हाथ मत लगा मेरे को, और आज बेचारे को डांट रहा है।
क्या रे, तू हमसे सचमुच में प्यार करता है? बोलना। अबे क्या हुआ तुझे, बोलता क्यों नहीं इसके सामने? अबे तेरी बोलती क्यों बंद होगी? लगता है इसकी धड़कन बंद होगी। चल आकर सुन, सुन ना। तैयार है तैयार, ये क्या हुआ? तेरा जिया कहाँ गुम हो गया रे? सामने ये झोपड़ा। नमस्कार। नमस्कार। वेलकम सर, स्वागतम। यहाँ पधारने का बहुत बहुत शुक्रिया। होटल तो बहुत खूबसूरत बनाया मिस्टर ब्रजभूषण। थैंक यू सर। किंतु वो जो कहते हैं ना कि चांद में भी एक दाग होता है, वैसे ही आपके होटल में भी एक दाग है। दाग? अच्छा अच्छा, आपका मतलब उस झोपड़े से है? जी हाँ, इतनी शानदार इमारत के गेट पर हाँ? वो जो झोपड़े जैसा होटल है ना जी, बहुत खराब लगता है। यह हट जाएगा, आइए। कुछ पता चला?
सर अमर बाबू बिहारी की शादी में गए हुए। बिहारी बिहारी इस बिहारी से कब पीठा छूटेगा? ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई। यहाँ उसके होटल का उद्घाटन हो रहा है, आप तो उसकी शादी में चलेगा। ओम सुमाय स्वाहाय ओम प्रजापते स्वाहाय ओम प्रजापते। सर आज इस शादी को देखकर आपके मन में कुछ ख्याल नहीं आता? आता है ना, मेरे को भी ऐसा लगता है जैसे अभी शादी की बाटली में बंद हो जाना चाहिए। ये सारा कोई जिंदगी न घर है न घर वाली है न पैसा है न पैसे वाली है। मैं सोचता हूँ अभी शादी कर डाले। सर आप गलत समझ रहे हैं, आपकी शादी नहीं, मैं अपनी शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। तू शादी करके क्या करेगा, तू अभी बच्चा है। आप शादी करके क्या करेंगे, आप तो बुड्ढे हैं। बुड्ढा तेरा बाप? अबे ये तो नाक के नजले, ये की कड़की और जमाने के ठोकरों ने थोड़े बाल गिरा दिए, वरना आज भी जिस मोहल्ले से गुजरता हूँ ना तो लड़की बालकनी से नीचे गिरती है। मुबारक हो सर। ये बात तो बराबर है। जुग जुग जियो बिटिया, दूधो नहाओ पूतो फलो, मुबारक हो। मुबारक हो बिहारी बाबू, आज तो तुमको मेरा क्लाइंट बनना ही पड़ेगा, इधर अंगूठा मारना ही पड़ेगा शादी के कागज। छोड़ो वकील साहब, बाद में कर लेंगे, चल। अरे लेने दो ना यार, ये कोट पहने पहने सड़ गया, मगर आज तक कानून का काम करने नहीं मिला यार। मुबारक हो सर। तेरे को मुबारक हो का मतलब मालूम है? चल निकल, चल। मेरा मतलब है कि हनीमून कैसे मनाते हैं मैं तुझे बताता हूँ। अरे कौन सा हनी और कौन सा मून, खामोश, हमारा किस्मत में कुछ नहीं है। क्यों? अरे का है, हमारी माई ने मन्नत मांगा था कि जब हम दूल्हा बनूंगा उसी दिन हमारी दुल्हनिया को लेकर वैष्णो देवी चली जाएगी माता जी को धन्यवाद अर्पण करने। कल रात हर आदमी के जबान पर यही बात थी कि होटल तो हमने वाकई बहुत शानदार बनाया, लेकिन बिहारी का बुखार और होटल हमारे होटल की खूबसूरती के लिए एक बदनुमा दाग बन गया है। इसलिए किसी भी तरह बिहारी के घर और होटल को हटाना बहुत जरूरी हो गया है। सर मिस्टर सुधीर ठीक कह रहे हैं, हम सब लोगों की राय भी यही है। लेकिन सर क्या बिहारी इस बात के लिए राजी हो जाएगा? यही तो कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही कि ये किस्सा उसे शुरू कैसे किया जाए। क्या बात है डैड? अमर मैं एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गया हूँ और समझ में नहीं आता कि इसको हल कैसे किया जाए। मैं जानता हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है। कल रात सब लोग पार्टी में यही कह रहे थे ना कि बिहारी का होटल और मकान हटा दिया जाए। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं बात करूंगा बिहारी से और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी प्रॉब्लम को समझेगा और उस जगह के बदले में हम उसे बढ़िया मकान और शानदार होटल बना देंगे। इसमें उसका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। बात तो बहुत माकूल है, मगर वो राजी हो जाएगा? डैड वो मेरा दोस्त है, दोस्ती में जगह तो क्या, जान भी मांगूंगा तो दे देगा। तो हमारा घर गिराने का बात कर रहा है? हाँ बिहारी, अब इस छोटे से घर में रखा ही क्या है, मैं तुझे इसके बदले में बेहतरीन मकान बनाकर दूंगा, आलिशान होटल बनाकर दूंगा, जिसमें तेरा भी फायदा है और इस जगह के खाली होने में मेरा भी फायदा। आज तो फायदा नुकसान का बात कर रहा है अमर। अरे अगर हम फायदा का बात सोचा होता तो ये जमीन हम कब का बेच दिया होता, लेकिन हम तो ऐसा नहीं किया अमर। काहे काहे कि घर से हमारा क्या रिश्ता हो तुम नहीं जानते हो। ये घर ये होटल हमारे बाप के मेहनत की निशानी है। ये घर में गारे के पानी की जगह हमारे बाप का खून पसीना मिला हुआ है, ईंटों की जगह हमारे बाप का हड्डियां गड़ी हुई है। खुद तो चले गए लेकिन बाबूजी हमारा पेट का आग बुझाने के लिए सिर्फ यही एक सहारा छोड़ के गए। हमारा वास्ते घर नहीं बल्कि उद्देवता का मंदिर है और तुम हमसे उद्देवता का मंदिर गिराने का बात कर रहे हो? नहीं ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है मैं मानता हूँ कि ये घर तेरे लिए मंदिर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू सारी जिंदगी इस होटल के गले पर बैठकर अठन्नी अठन्नी एक एक रुपया इकट्ठा करता रहेगा। हाँ हमारा बाप भी तो एक एक पैसा करके जमा करता था। वो जमाना और था बिहारी, आज जमाना बदल गया है, लोग बदल गए हैं। आज तो शादीशुदा हो गया है, कल तेरी औलाद होगी, उसके भी कुछ डिमांड्स होंगे। आज के इस मॉडर्न दौर में तेरी औलाद इस होटल में बैठेगा? अरे नहीं बैठेगा, तो साले का गला घोट के मार नहीं दूंगा। अपनी औलाद का गला घोट देगा? हाँ हाँ, जो औलाद अपने पुरखों के निशानी का इज्जत नहीं करे, जो अपने बाप दादा का मेहनत का कदर नहीं करे, वैसे औलाद का गला घोट कर मार डालना ही बेहतर है। मतलब तू अपनी जिद के लिए अपनी औलाद के अरमानों का खून कर देगा? हाँ कर दूंगा। जिंदों को मार देगा मगर मरे हुओं की निशानी को नहीं गिराएगा, जिंदों की बलि चढ़ाकर मुर्दों की तस्वीर पर तिलक लगाएगा।
भाई मान गए तुमको। कमाल शराफत का ढोंग रचा कर तुम बाप बेटे दोनों को एक साथ बेवकूफ बना रहे हो। शरीफ वो आ गया। आपने शराब कुछ ज्यादा पी ली है बिहारी ने मकान के लिए। हाँ उसने मेरे सवाल का जवाब मुझे थप्पड़ मार दिया। जाकर जाकर डैडी से कह दो वो जमीन हमें नहीं मिल सकती। गो सुबह सुबह कौन चिल्ला रहा है? बिहारी तू क्या बात है? एक गरीब का दुनिया उजाड़ के पूछता है क्या बात है? हमारा घर पे तूने बुलडोजर चलवा दिया और पूछता है क्या बात है? नहीं नहीं बिहारी ऐसा नहीं हो सकता। किसने किया है जलील हरकत? अमर बाबू रात को खुद आपने तो हुक्म दिया था कि बिहारी के घर और होटल पे बुलडोजर चलवा दो। क्या बकवास करता है सुधीर? नहीं सर कसम से कहता हूँ राजा बहुत नशे में थे ना। ये झूठ है। नशे में भी ऐसी बात मेरी जबान पर कभी नहीं आ सकती। ये सरासर झूठ है। ये सच है बेटे सुधीर सच बोल रहा है। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। अब बोल काहे जुबान बंद हो गई? तुमने हमारा घर पे बुलडोजर चलवाया है। इस बात का गवाही तुम्हारा अपना आदमी दे रहा है। इस बात का गवाही तुमने अपना बाप दे रहा है। अरे हम जाहिल गंवार आदमी तुम्हारा दोस्ती को अपना जायदाद समझता रहा अमर। लेकिन हमको कहा मालूम था कि दौलत का पुजारी लालची हमारा छोटा सा जायदाद पे अपना नजर जमाए बैठा है। नहीं बिहारी नहीं तू मुझे गलत समझ रहा है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि मैं नशे में ऐसी हरकत कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझसे ये हरकत हुई है
तो उसका कसूरवार मैं हूँ। मैं उसका हरजाना देने के लिए तैयार हूँ बिहारी। हरजाना? अरे तुमने हमारे बाबूजी का प्रेम मंदिर तोड़ दिया और हरजाना देने को तैयार हूँ मंदिर का? तुमने हमारा घर का ईंटा पे नहीं, हमारा बाबूजी का हड्डियों पे बुलडोजर चलवा दिया और हमारे बाबूजी के कुचली हुई हड्डियों का तू हरजाना भरेगा पापी। बिहारी, मैं खुद अपने हाथों से दोबारा तेरा घर बनाकर दूंगा। नहीं, अब हम तुम्हारे हाथों से अपने लिए कुछ भी नहीं बनवाऊंगा, बल्कि अपने हाथों से तुम्हारे लिए कब्र बनवाऊंगा, कब्र। अब ये बिहारी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा अपने बाप का कसम खाता है कि जैसे तुम ऊंचाई वाला होटल बनवाया है वैसे ही अब हम पूरे भारत वर्ष में चौड़ाई वाला होटल बनवाऊंगा और हर होटल का बुनियाद का नीचे तुम्हारा तरक्की को दफन कर दूंगा, दफन। देख बिहारी, पहले हमारी बात सुन। आज से बिहारी का जिंदगी का हर सांस, हर पल का एक ही मकसद होगा, तुम्हारी बर्बादी। बकवास बंद कर। बस एलिया, इस वक्त तू होश में नहीं है। अगर तू अपने दोस्त को नहीं समझ सकता तो चला जाए। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, लेकिन तुमको दुश्मनी का चैलेंज देके जा रहा हूँ कि आज के बाद से जो भी कदम उठाना सोच समझ के उठाना। एडवोकेट बाटली वाला। अरे बाटली वाला। अरे भाई, ये सड़ेला दरवाजा टूट जाएगा, क्या करता है यार? क्या? मैं केस लेकर आया हूँ। अच्छा, मुबारक हो, फरमाइए। अरे तुमसे नहीं, मुझे वकील साहब से मिलना है। बताओ, आदमी सामने खड़ा है, पहचानता नहीं है। अरे ये कोर्ट क्या, मैंने कोयले की दलाली में काला किया है क्या? मैं ही वकील हूँ यार, आओ ना। अड़ बे, बैठो, संभाल के बैठना, ये कुर्सी की चारों टांगे टूटी हुई है। बैठो 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 बैठो। क्या है, वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मेरे को अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो बोलो तुम्हारा क्या केस है? हाँ वकील साहब, मेरे बाप को दो बीवी आती है। अब मेरे बाप का देहांत हो गया। अरे रे रे रे। अब दोनों बीवी आपस में जायदाद के लिए झगड़ा कर रही है और मैं चाहता हूँ कि सारी जायदाद मेरी माँ को मिल जाए। नो प्रॉब्लम, समझ लो कि सारी जायदाद तुम्हारी माँ की बाटली में उतर गई। मुबारक हो, केस बहुत उलझा हुआ है। ए, तू किधर जा रहा है? दरवाजा बंद करने, वरना दूसरों की तरह ये भी भाग जाएगा। तो तुम्हारे दो बाप थे, माँ मर गई, अब बापों के बीच में झगड़ा हो रहा है कि जायदाद उनको मिल जावे, है ना? नहीं नहीं वकील साहब, आप उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। काय का उल्टा सीधा बोल रहे हैं? बात कम करता हंसा जाती है। सर क्या है, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, बात ही बंद कर दूं? अरे मेरे सड़े हुए असिस्टेंट, सारा दरवाजा अंदर से बंद किया है तो बाहर से किधर से बंद करेगा बे? वो मुझ पर छोड़ दीजिए, आप केस में डाल दीजिए। अच्छी बात है। तो तुम मर गए हो, तुम्हारी दो बीवियां थी, अभी तुम्हारे अंदर मुकदमा चल रहा है कि तुम्हारी मरी हुई बीवी को जायदाद मिल जाए, है कि नहीं? समझ गया, फोकट में केस लड़ने वाला वकील ऐसा ही होता है। ये हंसना बाद में, एक मिनट, ये फोकट में केस लड़ने वाला वकील क्या मतलब? वकील साहब, मेरे पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए ये केस मैं आपके पास हमदर्दी में लेकर आया था। हमदर्दी में? मैंने क्या इधर हमदर्द दवा खाना खोला हुआ है? उठ। मैं बैठा ही कब था? झुका हुआ तो था ना, तो उठा। एक दो तीन बताओ, ये फकीर भिखारी से भीख मांगने को आया है, अभी तुम्हारा को मत बोलना है, मेरे को मालूम है तेरा मुंह खोलने वाला है। अरे बिहारी, अच्छा हुआ तू आ गया दोस्त, तेरे वास्ते खुशखबरी लेकर आया हूँ, मैं बहुत अच्छा होटल देख कर आया हूँ, मगर यार वो मगर कहा, उसकी कीमत 70 लाख के ऊपर है। पैसा का क्या संबंध है वकील बाबू? हमारे पास इतना बड़ा जमीन है जिस पर अमर ने अपना होटल बनवाया है, हम वो जमीन अमर को बेच देना। नहीं बिहारी, वो जमीन अभी तेरी नहीं है। ये देख, मैं रजिस्ट्रार से वो एग्रीमेंट की जेरोक्स कॉपी लाया हूँ, वो लोग ने धोखे से इस पे तेरा अंगूठा लगवा के पूरी जमीन अपने नाम पे करवा ली है। ये देख तेरा अंगूठा। हमरे जाहिल पंत का फायदा उठाकर सारा जमीन अपने नाम पर करवा लिया, इतना बड़ा धोखा दिया हमको। बाप सरकार को दिखाने के लिए कागजात पे अंगूठा लगवाता है और बेटा हमरा घर, हमरा होटल के ऊपर बुलडोजर फिरवाता है। ऐसा बदला लूंगा वकील बाबू,
कि उनका बेईमानी का तमाम जायदाद में हम आग लगा दूंगा। हम अपना घर का सब गहना बेच दूंगा, कर्जा लूंगा, कर्जा लूंगा, दिन रात मेहनत करके एक कर दूंगा। लेकिन हम अब ये होटल खरीद के रहूंगा वकील बाबू, और यहीं से हम अपनी जिंदगी का करूंगा शुरुआत। अमर, मुझसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जाती। कब तक, आखिर कब तक इस घर में गम का माहौल छाया हुआ रहेगा? एक बार फिर बिहारी भैया से मिलने की कोशिश करो ना। क्या करूं? अपना सर काट के उसके कदमों में रख दूं, या अपना कलेजा चीर कर उसे दिखाऊं कि देख ले मेरा दिल? अमर उस किस्म का खुदगर्ज इंसान नहीं जैसा वो समझता है। अमर वफादार है, गद्दार नहीं। उसे मेरी सूरत से नफरत है, मेरे नाम पर थूकता, लोगों से कहता फिरता है कि मरते मर जाएगा, लेकिन मेरा मुंह कभी नहीं देखेगा। तुम ही बताओ जया, ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? एक ही तरीका है अमर, माँ और ललिता। माँ तो तुम्हें औलाद से ज्यादा प्यार करती है ना, वो आ जाए तो उनसे बात करना। हाँ जया, मैं तो समझा था कि अपनी ये गलती की वजह से मैं अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो बैठा, लेकिन माँ मुझसे मेरे बिहारी को जुदा नहीं होने देगी। बिहारी, ये तो हमका कहाँ ले आया है? माई भीतर आओ ना, हम सब बताते हैं। हाँ, अरे वो अपना बकीलवा नहीं है, वकील बाबू, उसी बकलोल का मकान है ये। अरे तुम लोग ठरा ठरा मुंह का ताक रही हो, थका मंदा आए हो ना, उधर चल के मुंह हाथ धो लो। जय कन्हैया लाल की, मद ना गोपाल की, आरा जी लाल। बिहारी। हाँ माई, का है अपने घर का का हुआ? अपना घर का क्या हुआ कि बहुत तोड़फोड़ हुआ है माई, और फिर कहा है कि परिवार में एक तो सदस्य भी तो और बढ़ गया है ना। हाँ। इसी वास्ते हम मकान को और बड़ा करवा रहा हूँ। पर पुरानी दीवारें तो नहीं गिराई ना? हाँ बिटुआ, जब हम घर में अकेले होते हैं तो उन दीवारों से सर टेक कर बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे बाबू जी हमरे सर पर हाथ रखकर खड़े हैं और कह रहे हैं, सीता कोई चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या माई, हाथ मुंह धो ले। हाँ बिटुआ, अमर और बहू अच्छे हैं ना, हम देवी माँ का उनके लिए प्रसाद लाई हूँ, देवी माँ से उनकी खुशी के लिए बहुत प्रार्थना की हूँ। अपना बिटुआ के लिए क्या मांगा माई? अरे बबुआ, अमर के लिए मांगा या बिटुआ तुहरे लिए मांगा, बतवा तो एक ही है। हाँ माई, बतवा तो एक ही है, लेकिन कभी कभी इंसान बात को एक समझता है और उसका मतबल कुछ और ही निकलता है। क्या हुआ माँ जी? बहू, कुछ गड़बड़ है। इस शहर की जमीन पर पाँव रखते ही हमें लगा दुनिया कुछ बदल गई है। बिहारी तो कुछ बताएगा नहीं, जिद्दी है, पर अमर भोला है, वो अपनी माई से कुछ नहीं छुपाएगा। अरे ये बुढ़िया यहाँ कहाँ से आ गई? अरे माँ जी, आप नमस्ते। जीते रहो बिटुआ। अमर कहाँ है? उसे कहना माई आई है। जी हाँ, जी हाँ, जरूर आप बैठिए, मैं भी उन्हें बुलाता। क्यों बिटवा, कहाँ है अमर? माँ जी, मैं बड़ा शर्मिंदा, अमर बाबू आपसे मिलना नहीं चाहते। हमार बिटवा हमसे मिलना नहीं चाहे? हाँ माँ जी, उनका कहना है कि अब वो बिहारी और उस घर के किसी भी व्यक्ति का मुंह तक देखना नहीं चाहते, उन्हें नफरत है उस घर के लोगों से, आपसे, इससे पहले कि वो आपका अपमान करके आपको धक्के। माँ जी आप चली जाइए यहाँ से। जी, 2 लाख का बैरर चेक? नहीं नहीं, मैंने तो कोई चेक नहीं भेजा। मुझे भी शक हो रहा था सर कि एक मामूली सा आदमी इतनी बड़ी रकम कैश करवाने आया है। हमारे पूछने पर उसने बताया कि उसे आपके मैनेजर सुधीर ने भेजा है। सुधीर?
जी हाँ सुधीर ने, इसीलिए मैंने आपको फोन करना उचित समझा। बहुत अच्छा किया, आप चेक को होल्ड करवाइए, मैं पता लगाता हूँ। थैंक यू मिस्टर बैर। सर मैं कुछ कहूँ? कहिए मिस्टर देशमुख। सर आज ये काम पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी कई बार हो चुका है। मैंने अकाउंट्स बुक दिखाकर आपको एक दो बार इशारा करने की कोशिश भी की, मगर खुलकर नहीं कह सका। आपका मतलब सुधीर से? जी, वो उसने कंपनी को काफी फरेब दिए, वो बरसों से कंपनी का खून चूस रहा और सबको धौंस दे रखी कि जबान खोली तो नौकरी से निकाल दूंगा। आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? सर मैं नौकर आदमी हूँ, वो आपके करीब का आदमी है, मैं इशारा कर सकता हूँ, चुगली तो नहीं कर सकता। सुधीर, हमने तुझ जैसे गद्दार को वफादार समझकर अपनी कंपनी में मुलाजिम रखा, अपने खानदान के मेंबर का हक दिया, और तू नमक हराम परसों से हमारा खून चूसता रहा। मैं कुछ समझा नहीं सर। ज्यादा बनने की कोशिश मत कर मिस्टर देशमुख। जी, इस अकाउंट बुक में तेरी बेईमानियों के सर्टिफिकेट है। तूने बेईमानी 54 से शुरू की, फिर हजारों में और हजारों से लाखों में पहुंच गया। अमर क्या बात है, ये चिल्ला क्यों रहे हो? ये एहसान फरामोश हमें बरसों से धोखा देता रहा, हमारी कंपनी के लाखों रुपए हड़प कर गया, और आज इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरे सिग्नेचर की नकल करके बैंक से 2 लाख रुपए निकलवा रहा था। मिस्टर देशमुख जी, पुलिस को फोन करो। जी नहीं, मेरे ख्याल में पुलिस को मत बुलवाओ, बदनामी भी हो सकती है और फिर बिजनेस में भी फर्क पड़ सकता है। इस नमक हराम की सजा तो ये होनी चाहिए कि इसको ठोकरें मार मार के यहाँ से निकाल दिया जाए। मुझे ठोकर लगाने से पहले अपना अंजाम भी सोच लीजिए मिस्टर ब्रिजभूषण। क्या बोला बे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने इनके नाम से पुकारने लगा? अमर बाबू मैं मानता हूँ कि मैंने छोटे छोटे फरेब दिए, लेकिन आपके पिता ने तो बड़े बड़े फरेब दिए, यहाँ तक कि आपको भी नहीं छोड़ा। आपने शराब पीकर कभी मुझसे नहीं कहा कि बिहारी के घर पे बुल्डो तो चलवा दो, लेकिन फिर भी मैंने चलवा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सेठ ब्रिजभूषण सक्सेना का हुक्म था। कमीने शैतान मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है, बाप बेटे में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है, अपने गुनाहों पे पर्दा डाल के मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। कमीने निकल जा यहां से। अमर ने घर गिरा दिया। नहीं, हमारा दिल नहीं मान रहा, वो ऐसा नहीं कर सका, वो ऐसा नहीं है। है माई, वो ऐसा ही है माई। उस खुदगरे ने तुम्हारी ममता को गाली दिया है, उसने हमारा कलेजा पर जख्म लगाया है, जख्म, ऐसा जख्म जो जन्म जन्म तक नहीं मिट सकता है। इसी बात से तुमको वहाँ जाने से रोक रहा था। नहीं बिहारी, जरूर तुम दोनों के बीच में कोई गलत फहमी हुई है। नहीं माँ जी, कोई गलत फहमी नहीं, बल्कि गलत फहमी की दीवार गिर गई और दीवार के दूसरी ओर जो इंसान खड़ा था उसकी असली शक्ल सामने आ गई। सुधीर तुम? हाँ बिहारी भैया, मैंने अमर बाबू की नौकरी को ठोकर मार दी। माजी की बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, और जब मैंने उनसे पूछा कि आपने माजी के साथ ऐसा सलूक क्यों किया, तो मुझ पर बरस पड़े, मुझे खूब मारा, और इस डर से कि मैं दुनिया के सामने उनकी बेईमानियों के पोल ना खोल दूं, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मेरी बरसों की ईमानदारी और वफादारी का ये सिला दिया है मुझे। सुन लिया माई, अब भी तुम कहोगे गलतफहमी है? वो बिजनेसमैन है माजी, उनके दिलों में दया मोह ममता नाम की कोई चीज नहीं, जब भी सोचते हैं अपने फायदे की ही सोचते हैं। आज अमर बाबू ये भूल गए कि उनकी कंपनी की तरक्की में मेरा भी बहुत बड़ा हाथ, कंपनी को जब भी पैसों की जरूरत पड़ी कर्जा मैंने दिलवाया, सिर्फ इसलिए कि उस कंपनी को मैं अपना समझता था। बिहारी भैया सुनो, तुम ऐसे लोगों को जानते हो जो कर्जा देते हैं? हाँ भैया, ऐसे कई बैंक हैं, और आपने जो अमर को नीचा दिखाने की कसम खाई है ना, उसमें मैं आपके साथ हूँ। अच्छा अच्छा, आप सारे देश में होटल पे होटल खोलना चाहते हैं और वो तमाम होटल्स बैंक में गिरवी रखना चाहते हैं। चलो ऊपर वाले की मेहरबानी है, आपको हमारी स्कीम तो समझ में आई। लेकिन ये जो 70 लाख रुपए का कर्जा आप पहला होटल खरीदने के लिए चाहते हैं, उसके लिए ये जेवरात सिक्योरिटी के तौर पे काफी नहीं है। मैनेजर साहब, हम लोग महीनों से बैंकों के धक्के खा रहे, आप थोड़ा गौर तो करो, आप अंडा देंगे तो उसमें से मुर्गी निकलेगी ना,
अभी अंडे ही नहीं देंगे तो मुर्गी किधर से आएगी। हाँ, लेकिन मैं बड़ी उम्मीदें लेकर इनको आपके पास लाया हूँ दया सर, मेहरबानी करके आप थोड़ी कोशिश करके देखिए ना प्लीज। ठीक है, मैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सलाह मशवरा करके जो भी होगा आपको जवाब दे दूंगा। पोस्टमैन, आपका खत। मेरा खत? सर सर, मेरा खत है सर। मुबारक हो, मुबारक हो। जरा पढ़कर सुनाइए ना। मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूँ, तू पढ़ना? मुझे पढ़ना लिखना आता तो आपकी तरह काबिल वकील नहीं बन जाता। काबिल तो पहले बोलने का ना यार, मगर तेरी चिट्ठी आई किधर से? तू साला गटर में पैदा हुआ था, तेरे रिश्तेदार किधर से आए? नहीं है, मेरे कोई भेजता नहीं है, और तेरे को देखो तो लोन बैंक 70 लाख रुपया। ये तेरे को 70 लाख रुपए का लोन लगा है? ये मेरे को नौकरी देता है क्या? टाइम नहीं है, सोचूंगा। अरे नहीं, ऐसा सोचूंगा, बहुत करके आदमी सोचूंगा। बिहारी भैया, बिहारी भैया, अपना अपना लोन पास हो गया है। क्या बात कर रहा है सुधीर, ये देखिए बैंक से चिट्ठी आई है, 70 लाख का लोन पास किया है। बिहारी मुबारक हो, ऊपर वाले ने अपनी मेहनत को सफल कर दिया। वकील बाबू, ये सब आपका सुधीर का मेहनत का फल है, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। ये लीजिए चाय। जी नहीं रहने दी। लीजिए ना भैया आप। नहीं, हम चाय नहीं पीऊंगा। सुधीर, हम इस खुशी के मौके पे अपने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। हमारा मतलब है कि हम अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। तुमको ये रिश्ता मंजूर है ना? ये आप क्या कह रहे हैं भैया, मुझसे से लावारिस को अपना रिश्तेदार बना रहे हैं? इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? सुधीर भैया, ये बहुत गलत काम कर रहा है। क्या ये शादी नहीं होनी चाहिए, मगर मैं मजबूर हूं, मैं तो गैर बनकर रह गया, कुछ कह भी नहीं सकता। अब कहने का वक्त ही नहीं रहा, कल ही तो शादी है। अब तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उसकी शादी में जाएं और लड़की को आशीर्वाद देकर आएं। चलेंगे ना? सोच तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन डरता हूँ कहीं वहाँ हमारी बेइज्जती ना हो जाए। वो तुम्हारी बहन है, और अगर उसके लिए कुछ बातें सुननी भी पड़े तो सह लेना। ठीक है जया, बहन के लिए बेइज्जती बर्दाश्त करनी भी पड़े तो कर लेंगे। हम लोग चलेंगे। तुमने मुझे बुलाया? हाँ, कल मेरी शादी है, और अगर अमर वहां आया तो हो सकता है माँ अमर और बिहारी को फिर से मिला दे और हमारा पत्ता हमेशा के लिए साफ हो जाए। इसीलिए हमें अमर को रोकना होगा, किसी भी तरह रोकना होगा, बाय हुक और बाय क्रुक। डू यू अंडरस्टैंड? अरे गजरे नहीं आए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे बहू, तुझे कितनी बार समझाया कि इस हालत में ज्यादा काम नहीं किया कर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ जी। नहीं नहीं, तू जाकर आराम कर, हम सब संभाल लूंगी। हाँ। भाई, अमर भाई अभी तक नहीं आए। वो आएगा, जरूर आएगा। ओके, ओके। वो आ गया, शुरू हो जाओ। अबे धीरे बोलो। कोई कुछ नहीं है, ये लोग मुझे मार डालेंगे। भाई साहब मुझे बचाइए प्लीज, मेरे बचा चाहिए। अरे बचा, बचा, अरे अरे छोड़ दो छोड़। ओम अग्ने न सुपथाराय अस्मान् विश्वान् वेद वयुनान् विद्वान् यो यो ब्रह्मचूरान् विदे ब्रह्मेण।
और जया, जया कैसी डॉक्टर साहब? हमें बेहद अफसोस है मिस्टर अमर, हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम उन्हें बचा न सके। शी इज नो मोर, यू कैन गो इनसाइड। हमारे बहू का देहांत हो गया, अमर बिल्कुल अकेला पड़ गया। झगड़ा तुम दोनों में है, हो सकता है गलती अमर का हो, और वो भी हमारे बेटुआ है। माई, कल को हम मर जाऊं तो कातुओं का हमरी अर्थी को कांधा देने की आज्ञा ना ही देगा? हम का जाने दे, तुमको तुम्हारी माई का कसम। हमको जया भौजी का मौत का बहुत दुख है, वो बहुत नेक और शरीफ औरत थी, इसी कारण भगवान ने उसको मक्कार लोगों के दुनिया से उठा लिया। माई, तुम हमको कसम देकर गई थी ना कि हम तुमको तुम्हारे बहू का मैयत में जाने से नहीं रोकूं, तो हम नहीं रोका। लेकिन अब हमारी भी एक बात सुन लो माई, आज के बाद तुम उस घर में नहीं जाएगी, और अगर गई तो अपने बेटुआ का मरा मुंह देखोगी। पत्नी का गवार होना पति के लिए भगवान की देन होती है, हमेशा चरणों में बैठी रहती है। कुछ भी कहो सुधीर, तुम ईमानदारी के रास्ते पे चल पड़े हो, और अगर तुम ईमानदार बन गए तो अपना क्या होगा? हाँ, ईमानदारी से चोरी करने में चोरी पकड़ी नहीं जाती। क्या मतलब? मतलब ये मेरे भाई कि मैं पहले सिर्फ कल ही की सोचता था, और अब बहुत दूर की सोचने लगा। उस अनपढ़ बिहारी को मुझ पर अंधविश्वास है, और मुझे यकीन है कि बिहारी की जिद और हिम्मत उसे बिजनेस की दुनिया में बहुत ऊपर ले जाएगी, और उसके ऊपर जाने में मैं उसे कांधा देता जाऊंगा, और जैसे ही मौका मिलेगा एक झटके से अपना कांधा हटा लूंगा। वो साला नीचे गिर जाएगा, और फिर मैं सिर्फ मैं ऊपर रह जाऊंगा, समझे? तुम यहाँ क्यों आई हो? हम अपने भैया से मिलने आए हैं, और उनका मिले बिना हम नहीं जावेंगे। अब तुम्हारा और अमर का कोई संबंध नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो चुका है, चली जाओ यहाँ से। आप गलत कह रहे हैं डैडी, ये भाई और बहन का संबंध है, इसे मौत के अलावा दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। माफ करना ललिता, डैडी ने जो तुम्हारे साथ सलूक किया उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ईका भैया, भगवान ने हमारे भाई के हाथ अपनी बहन को आशीर्वाद देने के लिए बनाए हैं, उनका सामने हाथ जोड़ के माफी मांगने के लिए नहीं। अच्छा किया तू आ गई, वरना आज तेरे भाई की ये कलाई सुनी रह जाती। सोचा था तेरे घर आकर राखी बंधवाया करूंगा, और हम जानते हैं भैया, इसलिए हम यहाँ चले आए। तोरा वहां ठीक नहीं है ना, वरना खैर छोड़ो और राखी बनवा लो।
हमरा भैया के आंसू बहुत कीमती है और बहनिया को रक्षाबंधन पर इतना कीमती तोहफा मत दो कि ओका दिल इस बोझ को संभाल ना पाए। अरे नहीं नहीं ललिता, यो ही। अच्छा ये बता, तू अपने घर में खुश तो है ना? हाँ भैया, बहुत खुश है। अब हमें चलना चाहिए, अगर किसी को पता चल गया कि हम यहाँ आए थे तो बड़ी मुसीबत हो जाए। तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे दुश्मन पर राखी बांधने गई थी? वो दुश्मन आपके होंगे, मगर हमारा तो भैया है। खामोश, अगर तेरे बिहारी भैया को पता लगेगा कि तू हमारे दुश्मन से मिलने गई थी तो वो तेरा क्या हशर करेगा, तू जानती है? अगर हमारे उसी बिहारी भैया को ये बात का पता चल जाए कि आप रात रात भर घर से गायब रहते हैं, कभी कभी शराबा डुबा हुआ घर आते हैं, कभी लड़की आपको घर छोड़ने आते हैं, तब वो आपका कहाँ हसरत करेंगे, आप जानते हैं। मुबारक हो बिहारी बाबू। हेलो, अमर यार, हम बिहारी सिन्हा बोल रहा हूं। किस लिए फोन किया है? कि आज हमने तरक्की का पहला सीढ़ी पर कदम रख लिया हूं और बहुत जल्दी इतना ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा कि हमको देखने के लिए तुमको आकाश का बादल हटाना पड़ेगा। बिटिया, हाँ? लो बिटिया दूध पी। बहुत काका, कल ही तो पिया था। जीत नहीं करते, पी लो। अच्छा, एवरीडे मिल्क मिल्क। किसका फोन है? सुधीर का, सुधीरवा का फोन है। कहता है एक जमीन नीलाम हो रहा है होटल के लिए, बहुत बढ़िया जगह है। अरे अभी तू बस करना है यार, कितनी जमीन खरीदेगा ने, कितनी होटल बनाएगा, कोई दूसरे के बातें भी छोड़ेगा कि नहीं? इंडिया में बिल्डिंग कम थी ना, इसकी होटल जाती है। अरे बोल बाक। कौन सा बाक? देखो, अरे सवेरे सवेरे अपनी सुंदर सी बिटिया रानी का चेहरे का दर्शन तो कर लेने दो भाई, अखबार तो खोलो। लोग कहते हैं ज्योति तेरा तो सिर्फ नाम ज्योति है, पर तेरे पिताजी की आंखों में वो ज्योति है जो दीवार को चीरकर उस पार देख लेती है। तो बताइए क्या पहनी हूँ और कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल चंद्रमा का टुकड़ा, जिसमें न कोनो दाग है न कोनो धब्बा है। अरे हमारी बिटिया की शक्ल तो बिल्कुल चंद्रमा जैसी है, रोशनी सूरज जैसी है। और हमारी बिटिया ने कहा पहना है हम बताएं? आप पहना है नीले रंग का स्कर्ट, सफेद रंग का कमीज और नीले रंग का बूट। डैडी यू आर रियली ग्रेट, पर आपको कैसे पता चला कि मैंने ये ड्रेस पहनी? वो क्या है? काय को बच्चे लोग को शेंडी लगाता है, मैं बताता हूँ। वो जब भी धोबी के पास से तेरे कपड़े इस्त्री होके आ रहे थे ना, तो तेरे बाप ने पहले ही देख लिया था। अरे बुड़बक फजूल का बात करता है, थोड़ा देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकता क्या? ओ डैडी, आप बहुत चीट है। चलिए, आज कॉलेज का पहला दिन है इसलिए आपको माफ किया। ओके डैडी, मैं चलती हूँ। बाय बाय अंकल। ओके बाय बाय। ऐसे कैसे भागी जा रही है? पहले प्रसाद लेकर दादी के पैर तो छू ले। सॉरी दादी। भगवान हर बुरी नजर से बचाए हमारी बिटिया। थैंक यू दादी। ले प्रसाद दे ले। थैंक यू मम्मी, बाय। और हमको गुड बाय डैडी। बाय बाय। मेरे को सबको पप्पी कर लिया, मेरे को छोड़ दिया, मेरे मुंह पे क्या म्युनिसिपैलिटी का कचरा लगा हुआ है? I'm sorry uncle, bye bye। है मैंने शादी कर लिया था तो आज मेरी भी इतनी बड़ी बेटी होती थी। मेरे असिस्टेंट ने शादी कर लिया और मैं झुमरी तलैया के झूमर की तरह अकेला लटकता फिरता रह गया। अजी लड़कियों के मारे छोटे के बच्चे, अरे सलाली तुझे घर वाली है, बिहार बिहार हो, अरे छोटे के बच्चे गायो, अरे तेरा तो बैंकॉक तक पीछा करूंगा, अरे रुकती है कि नहीं? ज्योति के बच्चे, ये क्या किया तूने? बिल्कुल ठीक किया, लड़कियों का पीछा करने वालों की यही सजा है। सो स्वीट। पीछा करने का क्या मतलब? मतलब ये कि जहाँ मैं जाती हूँ तुम मुझसे पहले वहाँ पहुँचाते हो, स्कूल के जमाने से पीछा करते हुए आए हो, अब कॉलेज में भी पहुँच गए हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाली हूँ? वो क्या है कि मेरा एक दोस्त है जो बचपन से तुम्हें प्यार करता है
और तुम्हारे पीछे बुरी तरह से पागल है। हाँ? वही तुम्हारे बारे में मुझे सुबह शाम बताता रहता है। तुम जो भी दिल में सोचती हो मुझे दूरदर्शन के समाचार की तरह सब एडवांस में नजर आ जाता है। अच्छा जी हाँ। और इस वक्त मेरे दिल का टीवी स्टेशन मेरे दिमाग की वीटी स्टेशन से पुकार पुकार के कह रहा है कि जो हालत तुमने मेरी बनाई है मैं भी तुम्हारी बना दूं। क्या? मैं कमल का फूल FOOL I love you. Oh yeah, you hate me, but I love you. I still love you. डैडी, मैं कैसा लग रहा हूँ? कुमार बेटे, ये क्या हालत बना रखी? वो कुछ नहीं डैडी, मैं सड़क के ऊपर खड़ा था, इतने में कनाडी ड्राइवर भर से गाड़ी लेकर आया, गाड़ी का डर कीचड़ में गया और सारा कीचड़ घर से मुझ पर उड़ गया और मेरी ये हालत हो गई। क्या हुआ डैडी? कुछ याद आ गया, तेरी मेरी कहानी कुछ मिलती जुलती है। जा जाकर नहा धो ले। मैं नहीं मानती ज्योति, कोई खामोखा जबरदस्ती किसी को कीचड़ में क्यों गिराएगा? तूने भी जरूर कोई हरकत की होगी। बोल क्या किया तूने? ए बहू खामखा काय डाट रही। बोल बिटिया क्या हुआ? अरे बोल ना दादी। वो मैं तेजी से कार ले जा रही थी, एक गड्ढे में टायर गया और कीचड़ उड़ा और उस लड़की के सारे कपड़े खराब हो गए और उसने पत्थर मार के तुम्हारे गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। शीशा? नहीं तो डैडी, आप चाहते कि वो पत्थर मारकर शीशा तोड़ देता? कभी मुझे लग जाता तो? नहीं बेटी, हम तो ऐसा ही कह रहा था, कहे कि बरसों पहले एक ऐसा ही घटना घटा था जब किसी ने कीचड़ का जवाब पत्थर से दिया था। चलो ज्योति। तुझे नहीं भूलाना बेटा। कुछ बातें पत्थर की लकीर से ज्यादा गहरी होती है माई। पत्थर टूट जाता लेकिन लकीरें नहीं मिटने पाती। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप लोगों ने कैटलॉग में पढ़ा होगा, ये वो 10,000 मीटर की जमीन है जो शहर के बीचों बीच है। इस पर आप बिल्डिंग बनाइए, होटल्स बनाइए या ऑफिसेस बनाइए, सब चीज की परमिशन है। सरकार ने इस जमीन की कीमत कम से कम 2 करोड़ रुपए मुकर्रर की है और जो भी इससे बढ़कर बोली बोलेगा ये जमीन उसकी हो जाएगी। हाँ तो बोलिए साहबान। 2 करोड़। 2 करोड़ 10 लाख। 2 करोड़ 20 लाख। 2 करोड़ 30 लाख। 2 करोड़ 40 लाख। 3 करोड़। हाँ तो बोलिए साहबान। 3 करोड़ 1। 3 करोड़ 2। 3.5 करोड़। चार करोड़। अमर, इस जमीन के लिए कीमत बहुत ज्यादा है। होने दीजिए पिताजी, सवाल पैसों का नहीं है, सवाल हार जीत का है। 4.5 करोड़। अरे क्या करता है, पागल हो गया? तेरी अकल की बाटले का बूझ उड़ गया क्या? 5 करोड़। बस और आगे मत बढ़िएगा। 6 करोड़। बस करो अमर, ये रकम बहुत ज्यादा है। 7 करोड़। कम ऑन, ये जमीन 7 करोड़ में जा रही है। 7 करोड़। बोलिए बोलिए साहबान। 7 करोड़ 1। 7 करोड़ 2। 7 करोड़ 3। देखा आप लोगों ने, इसको कहते हैं सराफत का जहरीला वार। क्या कहा? ये घर गिरवी रख दे। हाँ डैडी, और कोई चारा भी तो नहीं है। 7 करोड़ की रकम भरनी है, वरना 3.5 करोड़ का जो डिपॉजिट भरा है वो जब्त हो जाएगा।
और फिर ये हमारी इज्जत का भी सवाल है। इज्जत? यानी इज्जत बचाने के लिए घर की छत के नीचे रखते हैं? बेइज्जती की छत के नीचे जीने से बेहतर है कि इंसान बिना छत के इज्जत से जिए। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए।
करीब आ चुके हैं कि अब मुझे डर लगने लगा है। डर? कैसा डर? अपनी जुदाई का। क्या मतलब? मतलब ये कि हम अपनी मोहब्बत में जितना करीब आ गए हैं, हम दोनों के पापा एक दूसरे से उतने ही दूर होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी दुश्मनी हमारे प्यार का गला घोंट दे। नहीं ज्योति, प्यार कभी मरता नहीं। हाँ, दुश्मनी खत्म हो सकती है और हो सकता है शायद भगवान की यही मर्जी हो कि हम अपने प्यार से उनकी दुश्मनी को दोस्ती में बदल दें। वो कैसे कुमार? वो ऐसे ज्योति, जो बात उन्हें हमारे बारे में कल पता चलेगी, क्यों ना हम आज खुद उन्हें बता दें। हमारे खातिर नहीं, उनकी खातिर, उनकी दोस्ती की खातिर। कुमार, बैठिए। इस पदवी से तुमको बहुत लगाव है शायद, इसीलिए बरसों से अध्यक्ष के कुर्सी पे तुम कब्जा जमाए बैठे हो, छोड़ नहीं रहे हो। हाँ, अच्छा। मिस्टर प्रेसिडेंट एंड जेंटलमैन, होटेलियर्स एसोसिएशन का सालाना इलेक्शन अब मुकम्मल हो चुका है और इसका रिजल्ट मेरे हाथ में है। इस साल ऑल इंडिया होटल मालिकान की एसोसिएशन का अध्यक्ष यानी के प्रेसिडेंट कौन होगा, इस रिजल्ट का मुझे ऐलान करना है, जिसका आप सब साहेबान बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जेंटलमैन, इस साल के इलेक्शन में होटल मालिकान की एसोसिएशन ने जिन साहब को प्रेसिडेंटशिप के लिए चुना है, उनका नाम है मिस्टर बिहारी सिन्हा। हम कहा था कि एक दिन हम तुमको ऊंचाई से ले जाके एकदम नीचे खड़ा कर दूंगा, इतना नीचे कि जहां से तुम बिल्कुल छोटा नजर आओगे। आज हम तुमको गिरा दिया और अपना वचन निभा दिया। आज वहां तुम गहराई में खड़े हो और हम यहां ऊंचाई में खड़ा है। ये ऊंच नीच सब दिल का बहलावा है बिहारी,
इंसान की पैदा की हुई मनगढ़ंत बातें हैं। ना नीचे पहुंच के इंसान वक्त से पहले मर जाता है, ना ऊंचाई पर चढ़कर इंसान मौत के हाथों से हमेशा के लिए बच जाता है। कुछ नहीं बदलता, सब कुछ वही रहता है। मैं कल जहां खड़ा था आज भी वहीं खड़ा हूं, इसी जमीन पर। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम नोटों के ढेर पर चढ़ गए हो, मगर इस नीची जगह से, इस जमीन से कभी नफरत मत करना बिहारी, क्योंकि आदमी जब ऊंचाई से लुढ़कता है तो उसे नीचे इसी जमीन पर आना पड़ता है, यहीं। इसलिए इससे कभी नफरत मत करना। सुधीर, अरे हम अमर का कुर्सी छीन लिया रे, हम प्रेसिडेंट बन गया सुधीर। हे, अरे हे ललता, सुधरवा कहाँ है? भैया वो घर में नहीं है। मगर तू अपना चेहरा कहाँ ढांके खड़ी है? ऐसे ही भैया, ऐसे ही। अरे क्या बात है, बतलाओ ना क्या बात है। कुछ भी तो नहीं भैया। देख ललता, अरे का? वो हम गिर गए थे ना भैया, ये कारण जख्म हुआ। ए, का बात है बताना। कहीं सुधीरवा तुमको हाथ तो नहीं लगाता? तुमको सुधीरवा मारता तो नहीं है? बोलो। नहीं भैया, वो हमको बहुत चाहत है, हमको हमको बहुत प्रेम करे। नहीं रे ललता, नहीं, तुम झूठ कहती हो। तुम्हारा धर्म तुमको सच्चाई बताने से रोक रहा है बहन। अरे देख, हम तुम्हारा आंसू का भाषा पढ़ सकता हूं, लेकिन तू फिक्र मत करना बहन। ललता तू फिक्र मत कर, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। साला चोटी वाला खचड़ा हराम ज्यादा बच्चा, अरे तू टुकड़ को क्या देख रहे? चल हट। आज के बाद हमारी बहन को ऐसा उंगली से भी छुआ ना तो साला मार मार के तुम्हारा पूरा हड्डी पसली हम तोड़ दूंगा। हम, और ऐसा तोड़ूंगा साला कि दुनिया कौन अस्पताल में तुम्हारा इलाज नहीं हो सकेगा, समझो। एक तो दूसरा बात और भी सुन ले, ये जो तू बेफजूल का हराम खोरी का जिंदगी जो तू जी रहा है ना, इसको फौरन बंद कर दे, वरना चाकू से लोग गन्ना कैसे छीलते हैं, उसे ही छील कर टुकड़ा टुकड़ा करके तुम्हारा शरीर का सारा हिस्सा, शहर का सारा गन्ना नालियों में फेंकाऊंगा हम। बिहारी का बोला हुआ बात याद रखना। हाँ साला, पलटी फूल। मैं भी देखता हूं कि कौन किसके टुकड़े करता है। डैडी, डैडी मैं वो अरे उल्लू, क्या मैं किए जा रहा है? साफ साफ कह दो बात क्या है। वो डैडी, आप हमेशा कहते हैं ना कि इतना बड़ा घर खाली खाली सा लगता है, और अगर इस घर में बहू आ जाए तो इस घर में रौनक आ जाएगी। हाँ ये मैं अक्सर कहता हूँ। तो फिर? तो मैंने आपके लिए बहू पसंद कर ली है। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। जब से तेरी माँ चली गई, तेरा ये बाप इस दुनिया में अकेला हो गया था। तेरी जिम्मेदारी थी इसलिए रह गया, वरना। ऐसी बात मत कीजिए, आई लव यू डैड। खैर ये तो बता, लड़की के माता पिता कौन है, ताकि मैं फौरन जाकर तेरे रिश्ते की बात करूं। आप उन्हें जानते हैं, उनका भी होटल का बिजनेस है। किसी जमाने में आप लोग अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोस्त?
कहीं तेरा मतलब? हाँ डैडी, मैं बिहारी सिन्हा जी की बेटी से प्यार करता हूँ। अमर सक्सेना का बेटा जो संसार में सबसे बड़ा दुश्मन है हमरा, उससे हमारी बेटी प्यार करती है, उसके साथ अपना घर बसाना चाहती है। आए? नहीं, जिसके खून का हम प्यासा हूँ उसको हम अपना खून दे दूं, सांप के औलाद को अपना दामाद बना लूं? नहीं। देख बिटिया, अपना डैडी का एक बात सुन लो, तुम्हारा बाप तुम्हारी खुशी का दुश्मन नहीं है बेटा, लेकिन हम अपने दुश्मनों को अपने जिंदगी की खुशी कैसे दे दूं? तो दुनिया में किसी और का नाम ले ले बेटा, तुम्हारा बाप खुशी खुशी तुम्हारा हाथ उसके हाथ में दे देगा। अमीर से अमीर हो, गरीब से गरीब हो, लेकिन बेटा उसका नाम मत ले बेटा, उसका नाम मत ले। मगर डैडी, मैं कुमार से प्यार करती हूँ, आई लव हिम, मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। ए शरम, लड़की जाग होकर अपने बाप के सामने अपनी शादी की बात कर रही है। बिहारी, ये तू क्या कर रहा है? बिटिया पर हाथ उठा रहा है? अरे हम तो बिटिया पर सिर्फ हाथ उठाया है, लेकिन ये बच्चास बिटिया रानी अपने बाप की इज्जत का जनाजा उठा रही है। बहुत बदनसीब है तुम्हारा बेटा माई, बहुत बदनसीब है। इसको दुनिया में वफा कभी नहीं मिला, जिससे वफा किया उसी ने इसके साथ फरेब किया। पहले वो अमर हमारा कलेजा का टुकड़ा टुकड़ा करके धोखा दिया हमको, उसके बाद सुधीर ने हमको धोखा दिया, और आज ये भगवान हमारा खून हमको धोखा दे रहा है। ये लड़की अमर सक्सेना के बेटे से शादी करना चाहती है। हटाओ इस मनहूस को हमारे सामने से, हम इसका मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। बिटिया ना, दादी रो मत, सब ठीक हो जाएगा, ये तोरी बूढ़ी दादी मरी तो नहीं। बहू जी, बिहारी हमका तो कसम दी है, हम तो वहां नहीं जा सकते, पर तू जाकर अमर से पूछ कि वो का चाहता है। आई एम सॉरी सक्सेना साहब, मैं मजबूर हूँ, ऑलरेडी बैंक आपको पहले भी काफी कर्जा दे चुका है, और कुछ ही रोज पहले अमर बाबू ने बैंक से 2 करोड़ रुपया उठाया है, ऐसी हालत में और कर्जा देना नामुमकिन है। नामुमकिन है? तो इसका मतलब है कि जो 3.5 करोड़ हम जमीन के लिए ऑलरेडी दे चुके हैं वो जब्त हो जाएंगे, और बैंक इस वक्त हमारी मदद नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये कि ये मकान मुझे गिरवी रखना पड़ेगा। सक्सेना साहब, आप एक काम क्यों नहीं करते, बिहारी सिन्हा से कुछ लोन मांग लीजिए। बिहारी सिन्हा से? आप चाहते हैं कि मैं उसके आगे हाथ फैलाऊं? हाथ फैलाने की बात ही नहीं है सक्सेना साहब, कई साल पहले अमर बाबू ने अपनी गारंटी पर 70 लाख रुपए का कर्जा बिहारी सिन्हा को दिलवाया था। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ सक्सेना साहब, आप चाहें तो अपने बेटे अमर बाबू से पूछ लीजिए, मैं चलता हूँ, नमस्ते। बेटे ये मैनेजर साहब क्या कह रहे हैं, ये कई साल पहले तूने बिहारी को 70 लाख का कर्जा दिलवाया था, और वो भी हमारी गारंटी पर। जी हाँ, ये सच है। तूने दुश्मन की मदद की, उसके हाथ मजबूत किए, और उन्हीं हाथों से वो अब हमारी जड़ें काट रहा। जी हाँ डैडी, मैंने उसके हाथ मजबूत किए हैं। लेकिन क्यों? अपने किए हुए पापों के प्रायश्चित का ये एक रास्ता था। पाप? एक नहीं, कई पाप किए हैं हमने। एक झूठे एग्रीमेंट पर उसके दस्तखत लेने का पाप, होटल के मुनाफे में वो बराबर का हिस्सेदार था, उससे धोखे से अलग करके एक पैसा भी न देने का पाप, और उसका घर जो उसके लिए उसके बाप का मंदिर था, उस मंदिर पर बुलडोजर चलाने का पाप। डैडी, अगर उस रात बुलडोजर चलाने के लिए मैंने कहा था तो ये मेरा प्रायश्चित है, और अगर ये पाप आपने किया है तो ये आपकी सजा है। मतलब ये कि जिन बर्बादियों का मैं आज सामना कर रहा हूं वो तेरी खड़ी की हुई है, इसीलिए उस रोज नीलाम में तू जानबूझ के ऊंची बोली बोल रहा था ताकि मुझे सजा दे, अपने पिता को सजा दे। पिता?
आपने जिंदगी भर पैसे से ही रिश्ता रखा, कैलकुलेशन को ही अपना धर्म समझा, फिर बाप बेटे का रिश्ता कहा रहा। मतलब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं? आपने सिर्फ जबानी रिश्ता रखा, दिल से कभी नहीं रखा। दिल के सारे रिश्ते तो मुझे बिहारी के घर से मिले, वहां से मुझे मां मिली, बहन मिली, भाई जैसा दोस्त मिला, और आज आज बहू भी मुझे उसी घर से मिल रही है। मगर आपने उन तमाम रिश्तों को अपने मतलब के बुलडोजर से कुचल डाला। आपका क्या नुकसान हुआ डैडी? आपने तो आज चंद नोट गवा दिए, लेकिन मैं पिछले 20 साल से बिना कोई पाप किए चुपचाप आपके गुनाहों की सजा भुगत रहा हूं। अमर, तू सच कहता है बेटे, सजावार नहीं। खुदकर्शी मैंने की और खुदकर्श का नाम तुझे दिया गया। मेरी कैलकुलेशन गलत निकली और तेरी दोस्ती सच्ची। कहां से आ रहे हो तुम? अपनी बेटी का रिश्ता अपने भाई अमर के बेटे से पक्का करके आ रहे हैं। क्या रिश्ता? अरे कहां बक रही हो तुम? चिल्लाओ मत, पहले मेरी बात सुनो। आज मैं वो हकीकत, वो सच्चाई सुन के आ रही हूँ कि अगर तुम सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तुमने उस फरिश्ते के साथ वो जुल्म किए हैं कि अगर जिंदगी भर अपने आंसुओं के साथ उसके पैर धोते रहे तब भी तुम्हारे पाप माफ नहीं होंगे। बकवास बंद करती होगी? नहीं, बकवास ही सही, लेकिन सुन लो, ये जो शानो शौकत, ये इज्जत, ये दौलत, जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है, ये सब उसकी मेहरबानियों का नतीजा है। तुम इतने सालों अमर को हराते नहीं आए, बल्कि वो जान बूझ के तुमसे हार मानता रहा। और जानते हो क्यों? सिर्फ इसलिए कि कई बरसों पहले उसके पिता ने धोखे से तुम्हारा घर गिरवाया था। उसने तुम्हारे एक घर के बदले अपना सारा कारोबार, अपनी सारी जिंदगी जला डाली। हम कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, ये सब झूठ है। ये सब सच है। और वो जो 70 लाख का कर्ज जो तुम्हें बैंक से मिला था, जिसके बल पर तुमने अपनी तरक्की की ये इमारत खड़ी की है, वो 70 लाख का कर्ज भी तुम्हें अमर ने ही दिलवाया था। बेफजूल का बकवास करती हो, तुम्हारा माथा खराब हो गया। वो कर्ज तो सुधीर ने दिलवाया था। सुधीर ने तुम्हें वो कर्जा नहीं दिलवाया था, बल्कि सुधीर ने तुम दोनों की दोस्ती की दीवार में दरार डाली है। और अगर मेरी बात का यकीन नहीं आता तो खुद बैंक फोन करके पूछ लो कि वो कर्जा तुम्हें किसने दिलवाया था। बोल रहा है दयाल साहब? जी हाँ, फरमाइए। क्या? नहीं 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 नहीं, वो 70 लाख रुपए का कर्जा आपको सुधीर की वजह से नहीं बल्कि मिस्टर अमर सक्सेना के कहने पे मिला था। जिस दिन आप मेरे पास जेवर लेकर आए थे उसी दिन इत्तफाकन अमर बाबू भी यहाँ गए, और उन्होंने आपके आने की वजह पूछी। मेरे बताने पर उन्होंने अपनी गारंटी पर 70 लाख रुपया आपको कर्जा देने को कहा, और ये भी कहा कि ये बात मैं आपको ना बताऊं। दौलत कमाई कुछ ना कमाया, शोहरत कमाई कुछ न कमाया, दुनिया में सब कुछ उसने कमाया, जिसने कमाई दोस्ती नाम दोस्ती।
नाम जिंदगी। बेटुआ ये हमसे कहा हो गया माई, हम कहा किया, ये हम कहा किया माई, बस तुम्हारी माई अनपढ़ गवार पर दिल का किताब पढ़ सकती है। बिटुआ हमने तुमको पहले ही कहा था कि जरूर कोई गलत फहमी हो गई है, पर तुम हमारी एक नहीं माना। जा बिटुआ, अमर को तुम्हारी जरूरत है और तुमको अमर की जरूरत है, जा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अमर भैया की जान नहीं ले सकते, आप तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। अपने भैया से मेरी शिकायत करती है और वो हराम ज्यादा सबके सामने मुझे मेरी जान की धमकी देता है। हमने हमने कुछ नहीं कहा। उस साले अनपढ़ गवार को यह भी नहीं मालूम कि आज उसके पास कुछ भी नहीं। देखिए कागजात, इन पर उसके अंगूठे लगवा लगवा कर मैं उसके कारोबार में बराबर का हिस्सेदार बन गया, और आज आज उसकी जान लेने के बाद उसकी तमाम जायदाद का मालिक मैं बन जाऊंगा। आप ऐसा ना कीजिए। ऐसा ना कीजिए का क्या मतलब, ऐसा ही करने जा रहा हूँ। बेईमानी के धागों से बुना हुआ ये जाल मैंने उस जमाने से बना के रखा था जब तेरी और मेरी शादी भी नहीं हुई थी, वरना तुझ जैसी अनपढ़ गवार लड़की से शादी कौन करता चला। मैक, मैंने जैसा प्लान तुम लोगों को बताया है बिल्कुल वैसा ही करना। मैं फिर बताता हूँ, बिहारी की मौत एक हादसा लगना चाहिए, किसी को शक ना होने पाए कि हमने उसका कत्ल किया है। ऐसा ही होगा। हेलो, वो कब चलो सुधीर का जान से मार डालेगा। क्या वो कब चलो, बिहारी की जान खतरे में है, तुम फिक्र मत करो, मैं भी आ रहा। डैडी कहाँ जा रहे हैं? ललिता के यहाँ जा रहा हूँ। नमक हराम कुत्ते, जिनके टुकड़ों पर पलता रहा, सारी जिंदगी जिनके सामने दूं मिलाता रहा, आज उन्हीं को दांत काटने जा रहा है। तुम कौन होते हो हमारी जाती जिंदगी में दखल देने वाले? हाँ बनकर हमरा दोस्ती को डसता रहा है, आज हम इसका बोटी का टुकड़ा टुकड़ा करके इसका खून का एक एक बूंद चूस लूंगा। यारी अपनी बहन का सिंदूर मिटा देगा, तुझे मेरी कसम है। देख देख हरामजा,
करते हैं दोस्ती। नमक हराम का दौर जिसका खून से तू अपना हाथ रंगा है, आज वही तुमको दूसरा जिंदगी दे रहा है। ये देख हमारा बहन को, देख इस औरत को जिस पर तू जिंदगी भर जुल्म करता रहा है, आज वही तुम्हारे लिए जान का भीख मांग रही है। हे भगवान, ये का से का हो गया, भगवान का हो गया। अरे सुधीरवा, अरे तुमको का चाहिए रे, का चाहिए, दौलत चाहिए ना, ले ले हमारा सब दौलत ले ले, हमको ये बेवफा चीज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जो उन बेवफा चीज का वजह से हम अपना बचपन का प्यार खो बैठा, अपना यार खो बैठा, हमको नहीं चाहिए। अमर, डैडी, हमको प्रायश्चित करने का मौका दे अमर, हमको छोड़ के मत जा रे, बिहारी तुमसे हार गया, हमका दोस्ती का भीख दे दे अमर, हमको छोड़ के मत जा रे अमर, हमको छोड़ के मत जा अमर, हमको छोड़ के मत जा। अरे पगले, मेरा दोस्त बिहारी तो बहुत बहादुर था, कुछ पर अलग रहकर तू इतना कमजोर हो गया। आंसू बहारा, तुझे अपनी दोस्ती के मजबूत हाथों पर भरोसा नहीं रह गया, मेरा थाम अपने गले लगा, मौत तेरे अमर को कभी गले नहीं लगा सकेगी। जिंदगी का नाम दोस्ती।